पहले अपनी डेट्स निपटा लेते हैं। 1731 में क्या था, अमृता देवी बिश्नोई इंसिडेंट, 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट, 1974 में चिपको मूवमेंट और 1974 में ही वाटर पोल्यूशन एक्ट, 1980 में JFM यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट, 1986 में एनवायरमेंट एक्ट, 1987 में क्या हुआ था, नॉइस पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में मिला दिया गया था, और 2002 में क्या हुआ था, दिल्ली की सारी बस सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई थी। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो, ये साइन कब हुआ, 1987 में, और इफेक्टिव कब हुआ, 1989 में। और दूसरी तरफ क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ 1997 में और इफेक्टिव हुआ 2005 में। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके अनुसार क्या है, 2.5 माइक्रोमीटर से जिस पार्टिकुलेट का साइज छोटा है वो हार्मफुल होता है। ठीक है, अब पोल्यूशन कंट्रोल की अगर बात करें तो दो टाइप की चीजें अपने को कंट्रोल करनी है, एक तो पार्टिकुलेट मैटर और एक गैसियस मैटर। ठीक है, अब पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अरेस्टर और स्क्रबर से। ठीक है, और गैसियस मैटर को कंबस्शन, अब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गल ब्लूम। देखो, एल्गल नाम से ही पता लग रहा है एल्गी, और ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ, तो एल्गल ब्लूम क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब ये क्या करती है, वॉटर बॉडीज को कलर दे देती है, वॉटर बॉडीज को, है ना, और क्या होती है, टॉक्सिक होता है, इसमें जो भी बन जाता है वो टॉक्सिक होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा है, जो डोमेस्टिक सीवेज होता है ना उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होता है, और इंडस्ट्री से जो निकलेगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होती है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। अब ये एजिंग होगी क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है न्यूट्रिएंट का बढ़ जाना, और स्पेशली एनसीईआरटी में लिखे हुए कौन से न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा होगी CO2, फिर CH4, फिर CFC और फिर N2O। क्लियर बात है। नेक्स्ट है देखो, डायरेक्ट आंसर है, ये एनसीईआरटी का है, टेरर ऑफ बंगाल क्या है, वॉटर हायसिंथ। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है, ये देखो, ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BOD के। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, ये है एनसीईआरटी का, ये भी बिल्कुल सारा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट चल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी की जो प्रॉब्लम है ना, न्यूक्लियर एनर्जी की दो टाइप की प्रॉब्लम है, एक तो एक्सीडेंटल लीकेज और दूसरा सेफ डिस्पोजल, है ना। और एक्सीडेंटल लीकेज के दो इंसिडेंट दिए हुए, एक 3 Mile Island और एक चेर्नोबिल इंसिडेंट। ठीक है, और सेफ डिस्पोजेबल के बारे में लिखा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी से, इनसे मतलब कहने की बात यह है कि न्यूक्लियर वर्ल्ड से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको जमीन के 500 मीटर नीचे दबाना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात है। नेक्स्ट देखो, सी सरफेस अगर ठंडा हो जाए, कूलर हो जाए तो बोलेंगे उसको ला नीना, और गर्म हो जाए तो बोलेंगे एल नीना। अब इसको याद कैसे करें, देखो हम कोका कोला लाते हैं, तो कोका कोला, अब वो कैसी पीते हैं, कोका कोला हम ठंडी पीते हैं, तो इसके पीछे आ रहा है ला, कोका कोला, तो ये इसे ला से याद हो जाएगी। क्लियर बात है। अब नेक्स्ट देखो, बायो मैग्निफिकेशन इसके वर्ड से करो, देखो ये है बायो, ये है मैग्निफाई होना, मतलब कोई चीज है, कोई टॉक्सिकेंट है, वो बायो मतलब एक तरह से ले लो कि एनिमल्स में वो मैग्निफाई होता जा रहा है, मतलब सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे वो टॉक्सिकेंट मैग्निफाई हो रहा है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। क्लियर बात है। अब देखो, ओजोन के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, क्लियर है, ओजोन मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट, ओजोन डिग्रेडेड बाय CFC। ठीक है, और ओजोन कौन सी बीमारियां करती है, स्किन म्यूटेशन, म्यूटेशन, स्नो ब्लाइंडनेस और कैटारैक्ट। ठीक है, अब ये कुछ केस स्टडी देख लेते हैं। देखो, रमेश चंद्र डागर जो फार्मर है, कहां का फार्मर, सोनीपत का, उसने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसने बहुत सारे जो फार्मर्स को इकट्ठा करके एक क्लब बनाया, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। ठीक है, अब देखो एक और केस स्टडी है अहमद खान की, उसने क्या किया, पॉलीब्लेंड और ब्यूटुमिन को मिला के क्या किया, रोड बनाई, कहां पे, बेंगलोर में। ठीक है, अब एक और केस स्टडी है फ्रेंड्स ऑफ अर्कटा मार्श, FOME, फ्रेंड्स ऑफ अर्कटा मार्श, इन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेटेड वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट। क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मेजर एबायोटिक फैक्टर, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कौन से, टेम्परेचर, वॉटर, लाइट, सोयल। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। देखो, जो एनिमल्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं वो है यूरीथर्मल, और स्टीनोथर्मल मतलब जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह पाते हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जो कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, और कंफर्मर्स क्या होते हैं जो कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइबरनेशन एंड एस्टिमेशन। देखो इसको ऐसे याद रखना, एच डब्ल्यू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, एच डब्ल्यू मतलब हाइबरनेशन है विंटर स्लीप, इसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है बियर्स में होती है, ठीक है, और एस्टिमेशन है समर स्लीप, इसका एग्जाम्पल है स्नेल्स एंड फिश। ये बहुत अच्छा माइग्रेशन का एग्जाम्पल है, जो साइबेरिया के बर्ड्स होते हैं या ठंडे इलाके के बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके कहां आएंगे, कियोलाडो नेशनल पार्क, जो कहां पे है भरतपुर, और भरतपुर कहां है राजस्थान में। अब नेक्स्ट देखो डायपोज, ये एनसीईआरटी में दी हुई, देखो डायपोज स्टेज क्या होती है, डायपोज स्टेज होती है सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज, है ना, जब अपनी डेवलपमेंट सस्पेंड कर दी जाए वो होगी डायपोज स्टेज, और ये कौन शो करता है, जू प्लांकटन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो एक्वाटिक मैमल्स है ना, सील्स क्या होती है, एक्वाटिक मैमल्स होती है, और इनमें क्या होता है ठंड से बचने के लिए, अब ये ठंडे पानी में है तो ठंड से बचने के लिए इनमें एक फैट की लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लबर। ठीक है, अब एक है ये डेजर्ट लिजर्ड, जो डेजर्ट लिजर्ड है वो बिहेवियर मीन शो करते हैं। अब इसका मतलब समझो, देखो हम हैं मान लो ह्यूमन है, हमें जब ठंड लगती है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक शिवरिंग करने लगता है ना, कांपने लगता है, ठीक है, और गर्मी में क्या होता है, हम चाहे या ना चाहे हमें पसीना आ जाता है, तो वो क्या है, वो है फिजियोलॉजिकल मीन, है ना, हमारा है फिजियोलॉजिकल, मतलब हम कुछ करें या ना करें पसीना या कांपना वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब डेजर्ट लिजर्ड के पास ये थोड़ी बेचारी सी है, इसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती है, अपने बिहेवियर में चेंज लाती है, अपने बिहेवियर में कैसे, जैसे इसको ठंड लग रही है तो धूप में खड़ी हो जाएगी, इसको गर्मी लग रही है तो कहां अपने शेड में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या होता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट के मैमल्स हैं उनके ईयर एंड लिम्स साइज में छोटे होते हैं, और ये किस लिए होता है, ये हीट लॉस से बचने के लिए होता है ना, कि कम से कम हीट लॉस हो। ठीक है, नेक्स्ट है देखो ये पॉपुलेशन, ये एज पिरामिड दिए हुए पॉपुलेशन के, इनको कैसे याद रखना है, देखो ये देखो सबसे बड़ा पत्थर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, तो ये तो एक्सपेंडिंग और स्टेबल है। देखो स्टेबल नाम से ही पता लग रहा है कि इसका बेस बहुत स्टेबल है, मतलब बेस में दो पत्थर बिल्कुल सेम साइज के हैं, है ना, बेस बहुत स्टेबल है, तो ऐसे पहचान में आ जाएगी स्टेबल। और डेक्लाइनिंग तो ऐसे एशलगम के जैसी है, ऊपर से पतली नीचे से पतली बीच में मोटी, है ना, ये है अपनी डेक्लाइनिंग। अब देखो ये होता है, ये देखो बीच में है ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरह से पॉपुलेशन समझो। अब देखो नेटेलिटी होता है जन्म लेना, बर्थ, अब बर्थ हुआ तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, है ना, एंट्री मारेगा, और मोर्टेलिटी मतलब कोई मर गया तो वो पॉपुलेशन से आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। और इधर देखो एमिग्रेशन मतलब कोई विदेश से हमारे देश में आया तो उसने पॉपुलेशन को बढ़ाया, एंट्री मारी। और एमिग्रेशन क्या होता है, मतलब अपने देश से कोई बाहर देश चला गया तो वो मतलब पॉपुलेशन से निकल गया। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ कर्व होती है वो होती है दो टाइप की, एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक, अब नाम से ही पता लग रहा है लॉजिक मतलब ये लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है, इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं ना, और अनलिमिटेड रिसोर्स, अब आपके पास आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है, तो ये लॉजिस्टिक है, ये मतलब एक्सपोनेंशियल है। अब देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन को समझते हैं, म्यूचुअलिज्म नाम से ही पता लग रहा है, म्यूचुअल मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों का फायदा, कॉम्पिटिशन दो लोग आपस में सिर टकरा के लड़ रहे हैं तो दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, प्रीडेशन इसको ऐसे समझो, एक शेर ने एक हिरण को खा लिया तो शेर का हुआ फायदा और हिरण का हुआ नुकसान। और पैरासिटिज्म का एग्जांपल है लड़कियों के लिए, हाँ लड़के इस पे ध्यान मत देना, देखो लड़कियों के सिर में जू चल रही है तो जू का हो रहा है फायदा, लड़कियों का हो रहा है नुकसान। और कमेंसलिज्म का एग्जांपल है लड़कों के लिए, लड़कियां इस पे ध्यान ना दे, देखो कमेंट से, इससे कमेंट याद रखना कि कमिटमेंट है ना, कमेंसलिज्म से कमिटमेंट, लड़के जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो चाहे उनका कोई भी फायदा ना हो वो दूसरों का फायदा जरूर करते हैं, है ना, कमिटमेंट एक बार लड़कों ने कर दी तो चाहे उनका जीरो फायदा हो पर वो दूसरों का फायदा जरूर करेंगे। अब एमेंसलिज्म का फिर से लड़कियों से याद रखना है कि चाहे खुद को कुछ ना मिले पर दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए, है ना, अब लड़कियां कमेंट्स में बगावत नहीं करेंगी, है ना। और देखो अब एक एक करके इनका जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कर लेते हैं। देखो प्रीडेशन के कौन से एग्जांपल दिए हैं, देखो प्रिकली पियर कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया है उसको कंट्रोल किया गया किसके द्वारा, कैक्टस फीडिंग मौत के द्वारा। ठीक है, अब एक ये प्रीडेशन की जो अच्छी बात बताई हुई है इसमें कि स्टारफिश है जो डिजास्टर स्टारफिश है अमेरिका में, अगर उसको हम उस लेक या पोंड से निकाल देते हैं तो 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीशी भी इसके साथ ही गायब हो जाती है। मतलब इसमें कुल मिलाकर दोनों में प्रीडेशन का फायदा बताया है। ठीक है, अब देखो
कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म के एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, ऑर्किड ऑन मैंगो, बार्नेकल ऑन वेल, कैटल एग्रेट कैटल एंड सी एनीमोनिया एंड क्लाउन फिश, ठीक है। और कंपटीशन के कौन से एग्जांपल हैं, एबिंगडन टोर्टोइज, ये एक्सटिंक्ट हो गए किसकी वजह से, गोट की वजह से। और सेकंड एग्जांपल है सुपीरियर बार्नेकल, जो बेलेनस है उसने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब निकाल दिया किसको, इनफीरियर बार्नेकल कैथेमेलस को, ठीक है। क्यों, ये सुपीरियर है ये इनफीरियर है तो इसको भगा देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हैं लाइकन जो फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच होता है, माइकोराइजा जो फंजाई और प्लांट के बीच होता है, और प्लांट एंड एनिमल एंड फिग एंड वास्प, ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है ना। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल है, प्लांट एनिमल का है, फिग एंड वास्प का, ऐसे समझो प्लांट जो है वो क्या करेगा, उस जो भी इंसेक्ट है या एनिमल है जो भी है उसको क्या करेगा, खाना पीना दे देगा, नेक्टार पीने के लिए दे देगा, है ना, अंडे के लिए जगह दे देगा, और बदले में एनिमल क्या करेगा उसकी पोलिनेशन कर देगा, कुछ इस तरीके से, है ना। और पैरासिटिज्म के ये हैं, देखो ह्यूमन में कौन से हैं, लिवर फ्लू का मलेरिया, मरीन फिश पे एक्टोपैरासाइट होता है कोपपोड्स, और कैस्केटा अमरबेल जो होती है वो दूसरे प्लांट्स पे पैरासिटिक होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑर्किड्स की टोटल स्पीशीज है 20,000, एंट्स की है 20,000, फिश की है 28,000 और बीटल्स की है 3 लाख, ठीक है, इसको याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है कि बायोडायवर्सिटी टर्म को किसने दिया, बायोडायवर्सिटी टर्म दी एडवर्ड विल्सन ने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एडवर्ड विल्सन ने बायोडायवर्सिटी को 3 लेवल पे डिस्क्राइब किया, फर्स्ट जेनेटिक डायवर्सिटी, सेकेंड स्पीशीज डायवर्सिटी, और थर्ड है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। अब नेक्स्ट है टोटल स्पीशीज, देखो हम ये ग्लोबली बात कर रहे हैं, पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं, तो पूरी अर्थ पे अकॉर्डिंग टू IUCN है 1.5 मिलियन स्पीशीज, और एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल स्पीशीज का नंबर है 7 मिलियन। अब ये जो ग्लोबली हमने टोटल स्पीशीज की, इसकी अगर परसेंटेज निकाले तो ये पूरा एनसीईआरटी में दी हुई है परसेंटेज की, टोटल स्पीशीज के जो 70% है वो है एनिमल्स, और 22% है प्लांट्स, और बाकी जो बचे वो हो जाएंगे अदर्स, ठीक है। अब एनिमल्स में से भी 70% है इंसेक्ट और 30% है अदर एनिमल्स, ठीक है, टोटल स्पीशीज के 70% एनिमल्स, 22% प्लांट्स, और टोटल एनिमल्स में से भी 70% इंसेक्ट और 30% अदर्स, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली ग्लोबली, अब हम बात करेंगे इंडिया की। देखो जो इंडिया का एरिया है वो पूरी दुनिया का 2.5% है, पर इंडिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी पूरी दुनिया की 8.1% है, मतलब इसका मतलब है कि इंडिया एरिया कम कवर कर रहा है पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो इसीलिए इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंडिया इस रीजन से 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में गिना जाता है। अब इंडिया में प्लांट्स या एनिमल्स की बात कर ले, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया में टोटल एनिमल्स की स्पीशीज है 90,000 और प्लांट्स की स्पीशीज है 45,000, और ये स्पेशली ये याद रखना, इंडिया में राइस की जो राइस की स्ट्रेन्स हैं वो है 50,000 और मैंगो की वैरायटीज हैं 1,000, ठीक है। नेक्स्ट है तीन साइंटिस्ट, देखो ये तीनों साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं पर बार बार हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, तो इनको एक ही जगह पे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसने दिया था स्पीशीज वर्सेस एरिया का रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है डेविड टिलमैन ने दिया था स्पीशीज वर्सेज बायोमास का रिलेशनशिप। नेक्स्ट है पॉल एरलिक ने दिया था राइवट पॉपर हाइपोथिस, वो एरोप्लेन वाला हाइपोथिस वो दिया था पॉल एरलिक ने। अब नेक्स्ट है रिसेंट एक्सटिंक्शंस, देखो हमें इनके नाम याद रखने हैं और कहां से एक्सटिंक्ट हुए वो याद रखने हैं। देखो डोडो, मॉरिशियस, क्वागा, अफ्रीका, थाइलासीन, ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सीकाउ, रशिया और बाली जावन कैस्पियन में हमें याद रखना है कि ये तीनों टाइगर की सब स्पीशीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ 4 रीजन दिए हुए हैं जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है ओवर एक्सप्लोइटेशन, थर्ड है एलियन स्पीशी इन्वेजन्स, और फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि मैंने हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पे स्टार लगाया है, अब ये स्टार इसलिए लगाया है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है बायोडायवर्सिटी के लॉस का। ये लाइन याद रखेंगे, पूछी गई है बहुत बार कि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब इनके बारे में एक एक करके करते हैं,
तो सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो इसमें हमें याद रखना है अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। देखो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो पहले थे वो 14% अर्थ को कवर करते थे, पर अब क्या हो गया, नाउ अब क्या हो गया, वो सिर्फ 6% कवर करते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट हमें याद हो गए। तीसरा पॉइंट कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पॉइंट याद रखना। और फोर्थ पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा क्यों जा रहा है, उनको काटा जा रहा है सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये याद रखना, ठीक है। सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए काटा जा रहा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट को, तो ये पॉइंट्स हम हैबिटेट लॉस वाले में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लोइटेशन। देखो ओवर एक्सप्लोइटेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में, बाकी कुछ नहीं है, कि स्टीलर सीकाओ और पैसेंजर पीजन, स्टीलर सीकाओ और पैसेंजर पीजन इनका एक्सटिंक्शन हुआ है ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इनका एक्सटिंक्शन कौन से बायोडायवर्सिटी लॉस की वजह से हुआ है, ठीक है, तो हमें बोलना है ओवर एक्सप्लोइटेशन, ये हम एनसीईआरटी का याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है एलियन स्पीशी इन्वेजन। देखो एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं कि कौन सी स्पीशी ने किसको एक्सटिंक्ट किया, मैंने पूरा निकाल के इसमें लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि क्लिड फिश एक्सटिंक्ट ड्यू टू नाइल पर्च, मतलब नाइल पर्च ने किसको एक्सटिंक्ट किया, कि क्लिड फिश को, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इंडिजीनियस कैट फिश एक्सटिंक्ट ड्यू टू अफ्रीकन कैट फिश, अफ्रीकन कैट फिश ने किसको एक्सटिंक्ट किया, इंडिजीनियस कैट फिश को। अब नेक्स्ट है नेटिव स्पीशीज एक्सटिंक्ट बाई पार्थेनियम आइशोरनियम, पार्थेनियम और आइशोरनिया ने किसको एक्सटिंक्ट कर दिया, नेटिव स्पीशी को। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। देखो इसमें नाम से ही पता लग रहा है को एक्सटिंक्शन, को का मतलब होता है साथ में, मतलब एक स्पीशी अगर मर गई तो उसके साथ में दूसरी भी मर जाएगी। अब दूसरी क्यों मरेगी, क्योंकि वो उस पर डिपेंड थी, इसलिए ये हो गया ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। तो ये होता है कुछ प्लांट पॉलिनेटर्स में, मतलब एक स्पेसिफिक प्लांट है और स्पेसिफिक इंसेक्ट है, वो एक दूसरे की वजह से जिंदा है, तो एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा, तो ये हो गया को एक्सटिंक्शन। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व क्यों करते हैं, तो इसके एनसीईआरटी में तीन रीजन दिए हुए हैं, नैरो, ब्रॉड एंड एथिकल। तो नैरो रीजन में तो आ जाएंगे जो भी फिजिकल थिंग्स हमें प्लांट से मिलती है, जैसे फूड हो गया, फाइबर हो गया, ड्रग्स हो गए, मेडिसिन हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, तो फिजिकल थिंग्स आ जाएंगी नैरो में। और ब्रॉड में सिर्फ याद रखना अब ट्रिक है पी याद रखना, ठीक है, ब्रॉड में याद रखना पी, तो पी फॉर फोटोसिंथेसिस, पी फॉर पॉलिनेशन, ये एनसीईआरटी में स्पेसिफिक लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ब्रॉड में याद रखना पी, पी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड पी फॉर पॉलिनेशन। और एथिकल में आ जाएंगे स्पिरिचुअल, फॉर एग्जांपल इसमें मान लो एथिकल में नाम से ही पता लग रहा है कि पेड़ों को काटना जैसे पाप है, बुरी बात है, तो इस टाइप के रीजन आ जाएंगे एथिकल में। तो इसमें हमने बात की कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है, अब बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, इनसिटू एंड एक्सिटू, ठीक है, इनसिटू कंजर्वेशन एंड एक्सिटू कंजर्वेशन। इनसिटू मतलब ऑन साइट, मतलब कोई टाइगर था वो जंगल में रहता था, हमने वहीं उसको कंजर्व कर दिया। और एक्सिटू होता है ऑफ साइट, मतलब हम टाइगर को जंगल से उठा के लाए और हमने जू में डाल दिया। तो इनसिटू के ये एग्जांपल्स हैं और एक्सिटू के ये। देखो इनसिटू में है हॉटस्पॉट्स जिनका टोटल वर्ल्ड वाइड नंबर है 34, नेक्स्ट नेशनल पार्क्स जिनका नंबर है 90, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 इनका नंबर है, नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इनका नंबर है 14, नेक्स्ट सेक्रेड ग्रोव्स। अब एक्सिटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड सीड बैंक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हॉटस्पॉट्स पे कर लेते हैं। देखो हॉटस्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है मैंने पूरा वैसे ही निकाल दिया। देखो हॉटस्पॉट्स इनिशियली थे 25, बाद में क्या हुआ उसमें 9 एड हो गए तो टोटल हो गए 34। अब ये 34 है ग्लोबली, बट इंडिया में कितने, 3। तो फर्स्ट है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, सेकेंड है इंडो बर्मा और थर्ड है हिमालय। अब हॉटस्पॉट्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी एनसीईआरटी में लिखे हुए, देखो फर्स्ट पॉइंट कि हॉटस्पॉट्स जो होते हैं वो दुनिया का लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि हॉटस्पॉट्स में एंडेमिक स्पीशीज बहुत पाई जाती हैं, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट कि हॉटस्पॉट्स में स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीशीज होती है। तो तीन पॉइंट हो गए कि हॉटस्पॉट पूरी दुनिया का लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हुआ, और सेकंड पॉइंट क्या था कि एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा होती है हॉटस्पॉट में, और थर्ड पॉइंट क्या था कि स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है हॉटस्पॉट में, इसीलिए हॉटस्पॉट हमारे लिए दुनिया में एनवायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखो, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके ठीक 10 साल बाद हुआ वर्ल्ड समिट जो हुआ था 2002 में। अब अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में और वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में। अभी जो आपकी स्क्रीन पे है ये पूरा मेंडल का लेखा जोखा एक जगह पे है, तो सबसे पहला काम करो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेंडल के वर्किंग ईयर्स कौन से थे? 1856 से लेके 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकेज इज वायोलेशन टू विच मेंडल लॉ, है ना, मतलब लिंकेज जो है वो कौन से मेंडल लॉ का रूल तोड़ता है, कौन से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इधर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से ही है कि ऐसा कौन सा लॉ है कि जिसको वायोलेट करते हैं कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कौन सा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये दोनों वॉयलेट करते हैं, उनके रूल तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल कौन सी, ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो, देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये लगभग ये सेम से लगते हैं नाम एग्जाम में हमें, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक, प्लियोट्रोपी क्या होती है, एक जीन जब मोर देन वन कैरेक्टर के लिए कोड करे, और पॉलीजेनिक इसके उल्टा हो जाएगा। देखो पॉली मतलब एक से ज्यादा, जीनिक मतलब जीन, मतलब एक से ज्यादा जीन जब एक कैरेक्टर के लिए कोड करे, इधर एक जीन इधर एक कैरेक्टर, इधर मोर देन वन कैरेक्टर इधर मोर देन वन जीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वराइज एंड शेरमार्क, इसको आप जो भी बोलते हो, टी साइलेंट है ये अपना इंग्लिश का लेखा जोखा है, जो भी है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल्स कौन से, मिराबिलिस जलापा एंड स्नैपड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडोमिनेंस के एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया एंड एबीओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लियोट्रोपी के एग्जांपल, ये पूरा एनसीईआरटी का लेखा जोखा बता रहा हूं, प्लियोट्रोपी के एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, और बैक क्रॉस क्या होता है, जब हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, टीआरपी, जैसे बोलते हैं ना कि कपिल शर्मा शो की टीआरपी हाई जा रही है, वो टीआरपी, टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलीलिक जीन इंटरेक्शन कौन सी होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी एंड मल्टीपल एलील। और एलीलिक जीन इंटरेक्शन के साथ ये क्वेश्चन करना है, नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, इस टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल स्किन कलर इन ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सट्टन एंड बोवेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन वर्क ऑन ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट, ड्रोसोफिला पे काम किया था, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकेज इज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिंकेज इज प्रेजेंट इन मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज होती है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिंकेज प्रेजेंट इन आई कलर इन ड्रोसोफिला, हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंकेज की बात हो रही है, एक्स लिंकेज की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब यहां पे सेक्स डिटरमिनेशन दो टाइप की होती है, एक्स 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 वाई टाइप एंड एक्स 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 जीरो टाइप। अब ये वाली भी दो टाइप की हो सकती है, एक में क्या होगा होमोजाइगस फीमेल है और हेटरोजाइगस मेल है, और इसमें क्या है जेड डब्ल्यू वाली में क्या है हेटरोजाइगस फीमेल है और होमोजाइगस मेल है। ये ऊपर वाली किसमें प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में, और ये वाली जेड जेड डब्ल्यू जेड जेड वाली प्रेजेंट होती है किसमें बर्ड्स में, और ये वाली में क्या होगा एक्स एक्स होमोजाइगस बिल्कुल ह्यूमंस की तरह एक्स एक्स फीमेल है, पर यहां पे वाई क्रोमोसोम अगर एब्सेंट हो तो जीरो आ जाएगी, ये होगा मेल, ये प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स में, ठीक है। अब देखो ये हनी बी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हनी बी में क्या होता है, देखो तीन टाइप की होती है, क्वीन, ड्रोन, वर्कर। क्वीन कैसी, फीमेल, ड्रोन मेल, और वर्कर भी फीमेल। अब देखो सिंपल सा है, जो मेल है वो हमेशा हैप्लोइड होगा और जो फीमेल है वो हमेशा डिप्लोइड रहेगी अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लिखने हैं कुछ, कौन से, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, थैलेसीमिया, और एक्स लिंक्ड, ये पूछ लिया जाएगा आपसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कौन से है, उसमें इस टाइप के आ जाएंगे, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट डिसऑर्डर पे ही बात करेंगे कुछ, हीमोफीलिया इज ए क्लोटिंग डिफेक्ट है, हीमोफीलिया में क्लोटिंग डिफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वलाइन, ग्लूटामिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन हुई किसने की, वलाइन ने की, कहां पे की, एट सिक्स्थ पोजीशन ऑफ ग्लोबुलर चेन, ये किसमें होता है, कौन सी बीमारी में होता है, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया जो कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिल इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड। देखो ये बीमारी है तो
फिनाइल एलेनिन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर कोई नॉर्मल है जैसे मैं हूं तुम हो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है उसमें क्या होगा ये वाला कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, पर बीमारी में किसमें हो जाता है इसमें फिनाइल पाइरूविक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज्ड चेन प्रोडक्शन इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में चेन बनना कम हो जाती है कौन सी बीमारी में, थैलेसीमिया में। ठीक है, नेक्स्ट है नेम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से दिए हुए, टर्नर सिंड्रोम, केलाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है X0, केलाइनफेल्टर में क्या होता है XXY और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बॉडी नेम गिवन टू एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, देखो जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो हमें अब पता चला है ना, तो सबसे पहले बिल्कुल इनिशियल डेज में क्या हुआ था वो एक्स बॉडी का नाम दिया गया था, और ये नाम किसने दिया था, हैंकिंग ने दिया था। अब ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इनटू द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, इसको क्या बोलते हैं हम, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी दी हुई है, टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। अब इनके कॉजेटिव एजेंट जो हैं वो सिर्फ टाइफाइड और निमोनिया के दिए हैं। टाइफाइड का कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी, और निमोनिया के कौन से हैं, दो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अपने को ये तो याद रह जाता है पर ये हम भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और वायरल में देखो कॉमन कोल्ड जो है वो ग्रुप ऑफ वायरस है, ये रहीनो वायरस है ना, ये ग्रुप ऑफ वायरस है, इसके कारण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटोजोन की, प्रोटोजोन से दो बीमारियां दी हुई है अपनी एनसीआरटी में, मलेरिया एंड अमीबियासिस। अब मलेरिया हमें पता है सिंपल सी बात है किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। अब मलेरिया भी यहां पे तीन टाइप का एनसीआरटी में दिया हुआ है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अब जो ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है ये वाला मलेरिया सबसे डेंजरस खतरनाक होता है, एनसीआरटी में साफ साफ लिखा है। ठीक है, और दूसरी प्रोटोजोन की डिजीज कौन सी है, अमीबियासिस, ये नाम से ही हो जाएगी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, और हेलमिंथिक डिजीज की बात करें तो एनसीआरटी में दो है, एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस, जिसका दूसरा नाम है फिलारियासिस। अब एस्कैरियासिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, नाम से ही पता लग जाएगा, एस्कैरिस, और एलिफेंटियासिस का क्या है, वुचरेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है फंगल डिजीज की अगर बात करें, फंगल डिजीज कौन सी दी हुई है, रिंगवर्म दी हुई है। अब रिंगवर्म कौन सी फंजाई करती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइक्टोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। क्लियर है। ठीक है, अब देखो लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात करें, लिम्फोइड ऑर्गन की कौन से होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी कौन से हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स। पूरा एनसीआरटी में ऐसे ही चिपकाया हुआ है। ठीक है, अब देखो इनका फंक्शन कैसे याद रखना है, सिंपल सी बात है, मान लो कोई सिपाही है उसको लड़ाई के लिए तैयार होना है और फिर जंग के मैदान में जाना है, तो लड़ाई के लिए तैयार हुआ यहां पे और जंग का मैदान क्या है, जंग का मैदान है ये, मतलब ये क्या करेंगे, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, यहां पे मैच्योरेशन हुई या डिफरेंशिएशन बोल लो लिम्फोसाइट की, है ना, यहां पे लड़ाई के लिए वो मैच्योर हुए, तैयार हुए, और सेकेंडरी में क्या है, साइट फॉर इंटरेक्शन, मतलब लिम्फोसाइट को यहां पे लड़ने के लिए जगह मिलती है, साइट फॉर इंटरेक्शन मिलती है। क्लियर है। अब देखो अगर ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर दो टाइप का है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है वो स्प्रेड, वो फैलता नहीं है बॉडी में, और मैलिग्नेंट है वो बॉडी में फैल जाता है, और इसके फैलने वाली पावर को ही क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक है, अब देखो एंटीबॉडीज को कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी सबसे ज्यादा होती है, कौन सी सबसे कम होती है। सिंपल सा एक वर्ड लिखना है गेम, सिंपल सा एक वर्ड लिखना है गेम, ये गेम लिख लिया, और लास्ट के जो दो हैं उनके बीच में डी को घुसा देना, गेम लिख के लास्ट के जो दो हैं उनके बीच में डी को घुसा देना। ठीक है, मतलब ये अपनी सीरीज क्या कहती है कि सबसे ज्यादा होगी ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे कम होगी आईजीई, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। अब इनके फंक्शन को कैसे याद रखें, देखो आईजीजी सबसे ज्यादा है मतलब इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो पी फॉर पॉपुलेशन, और पी फॉर अपने को क्या याद आ जाएगा, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करती है, आईजीजी। ठीक है, नेक्स्ट है आईजीए का फंक्शन, देखो इसका क्या क्वेश्चन आता है, सबसे सुपर हिट क्वेश्चन बताता हूं क्या आता है इसका। देखो आईजीए, अब ए, ए बी सी डी ई एफ जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम देखते हैं तो जो ए है वो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट से हमें याद आ जाएगा पहला मिल्क, है ना, ये फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं हम, कोलोस्ट्रम, तो कोलोस्ट्रम में कौन सी प्रेजेंट होती है, आईजीए। नेक्स्ट है आईजीएम, देखो आईजीएम, एम से हमें याद आएगा मोटी, मोटी मतलब जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो सबसे हैवीएस्ट होती है। नेक्स्ट है आईजीडी, देखो इसको ऐसे याद करो, डेसिबल, डेसिबल जो होती है ना साउंड की मेजरमेंट की यूनिट, डेसिबल मतलब डी से आईजीडी, और बी से अपने को याद आएगा बी लिम्फोसाइट, तो डी आईजीडी का लेना देना है बी लिम्फोसाइट के साथ। नेक्स्ट है आईजीई, देखो मैं एआर पे एक वर्ड लिखता हूं, एलर्जी, वर्ड लिखता हूं मैं एलर्जी, अब एलर्जी में इस ई को उठाओ और ई के साथ मैच करा दो, तो एलर्जी में कौन सी होगी, आईजीई।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जो ड्रग्स दी हैं उनको याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को याद करने की सिंपल सी ट्रिक, महाराष्ट्र का पोस्ट ऑफिस, MH से महाराष्ट्र और PO से पोस्ट ऑफिस, महाराष्ट्र का पोस्ट ऑफिस। अब देखो M से हमारे पास आया मॉर्फिन, H से हमारे पास आया हीरोइन, P से हमारे पास आया पेपेवर सेमिनिफेरम और O से हमारे पास आया ओपियोइड्स। अब देखो ओपियोइड्स के बारे में जो भी दिया हुआ है आप NCERT में चेक करो, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैनाबिनोइड्स। देखो कैनाबिनोइड्स का प्लांट तो इसके नाम से ही हो जाएगा, कैनाबिस सैटिवा, ठीक है, कैनाबिनोइड्स के नाम से ही हो गया कैनाबिस सैटिवा, ये इसका प्लांट हो गया जहां से कैनाबिनोइड्स हमें मिलते हैं। अब इसमें बात करते हैं आगे की ट्रिक। तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि कान पे मारना चाहिए अगर आशीष चरस गांजा लेता है तो, ठीक है, चरस गांजा लेना, ड्रग्स लेना बुरी बात है, तो आशीष अगर चरस गांजा लेता है तो उसके कान पे मारना चाहिए, यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। कान पे मारना चाहिए अगर आशीष चरस गांजा लेता है तो कान से हमारे पास आया कैनाबिनोइड्स, मारना से आया मरिजुआना, आशीष से आया हशीश और चरस गांजा से डायरेक्ट आ जाएंगे चरस और गांजा। अब नेक्स्ट है कोका। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसके नाम को पकड़ना है। देखो कोका से हमें क्या याद आएगा, कोकेन। कोका से याद आया कोकेन, मतलब इसका दूसरा नाम है कोकेन। अब ये कौन से प्लांट से मिलता है तो वो भी नाम से ही हो जाएगा, एरिथ्रोजाइलम कोका। तो कोका से कोका ये भी मैच हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो दो वर्ड आपस में सिमिलर हैं, कोका और डोपा। बोल के देखो एक बार, कोका डोपा, कोका डोपा। अब डोपा से क्या है हमारे पास, डोपामिन, मतलब जो कोका है या कोकेन है वो डोपामिन के साथ इंटरफेयर करता है, NCERT में लिखा हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कोका। अब लास्ट है हेलुसिनेटिंग प्लांट्स। इसकी सिंपल सी ट्रिक है हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे HBD। एच से हमारे पास आया हेलुसिनेटिंग प्लांट्स, बी से आया बेलाडोना मतलब एट्रोपा बेलाडोना और डी से हमारे पास आया धतूरा। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इननेट एंड एक्वायर्ड। नाम से ही पता लग रहा है इननेट मतलब बाय बर्थ, इननेट बाय बर्थ, और एक्वायर्ड मतलब हमने इसको दुनिया में आने के बाद एक्वायर किया है, मतलब इसको हमने आफ्टर बर्थ एक्वायर किया है, ठीक है। इम्यूनिटी दो टाइप की, इननेट बाय बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। अब वन बाय वन करेंगे, पहले इननेट फिर एक्वायर्ड। तो स्टार्ट करते हैं इननेट इम्यूनिटी के साथ। देखो जो भी NCERT में दिया हुआ है पूरा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। देखो इननेट इम्यूनिटी की सिंपल सी ट्रिक है P2C2। क्या है P2C2? P2C क्या आया हमारे पास, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, और C2C क्या आया, सेलुलर एंड साइटोकाइन। अब देखो वन बाय वन करते हैं। देखो फिजिकल के लिए सिंपल सी चीज याद रखनी है, फिजिकल के लिए हमें याद रखना है बॉडी की कवरिंग। अब देखो बॉडी की आउटर कवरिंग क्या होती है, स्किन, और इनर कवरिंग क्या होती है, म्यूकस। फिजिकल में आएगी बॉडी की कवरिंग, बॉडी की आउटर कवरिंग स्किन और इनर कवरिंग म्यूकस, तो फिजिकल में आ जाएंगे स्किन एंड म्यूकस। फिजियोलॉजिकल, देखो फिजियोलॉजिकल की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हैं, फिर से बता रहा हूं, फिजियोलॉजिकल में बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हैं उनको डाल दो फिजियोलॉजिकल में। देखो HCl स्टमक में, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स, ठीक है, बॉडी की सारी एसिडिक सिक्रीशन HCl, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स। अब नेक्स्ट है सेलुलर। देखो सेलुलर की बहुत सिंपल ट्रिक है, एक जनरल नॉलेज की बात है कि जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उसको डाल दो सेलुलर में। एक बार फिर से, जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उसको हम डाल देंगे सेलुलर में, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस। बहुत सिंपल है, सारी WBC है और उसको हम डाल देंगे सेलुलर में और सारी काम आती है इम्यूनिटी में। लास्ट है साइटोकाइन। अब साइटोकाइन वर्ड में आप ध्यान से देखो तो इसमें आ रहा है INN, ठीक है, साइटोकाइन में आ रहा है INN और इन से हमें याद आ जाएगा इन इंटरफेरोन। साइटोकाइन में आ रहा है इन और इन से हमें याद आ जाएगा इंटरफेरोन, बस इसमें इतनी ही बात याद रखनी है, सिंपल है। हम इननेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसको देख के घबराना मत, एक एक वर्ड क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। देखो हमने जब इनेट इम्यूनिटी की बात की तो कहीं भी एंटीबॉडी की बात नहीं की, तो यहां हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंटीबॉडी के कंसेप्ट को। सिंपल है, एक चीज याद रखेंगे, ए फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर एंटीबॉडी, ठीक है, ए फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर एंटीबॉडी। अब देखो एंटीबॉडी लाए कहां से, तो इसके भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम एंटीबॉडी को खुद बना ले यानी सेल्फ, या हम एंटीबॉडी को कहीं बाहर से ले लें यानी नॉन सेल्फ। अब नाम से ही पता लग रहा है, एंटीबॉडी अगर हमने खुद बनाई मतलब हमने अपनी एनर्जी खर्च की तो उसको बोल देंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और कहीं हमने बाहर से अगर एंटीबॉडी को लिया तो उसको बोल देंगे पैसिव इम्यूनिटी। इतना क्लियर है, एक्टिव एंड पैसिव।
अब देखो एक्टिव में एक बात तो क्लियर है कि हमने एंटीबॉडी को खुद बनाया था, तो खुद बनाने के भी दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो हम नेचुरली बनाए या हमसे बनवाई जाए। ठीक है, एंटीबॉडी को या तो हम नेचुरली बनाए या हमसे बनवाई जाए। तो नेचुरली बनाएंगे तो हो गई नेचुरल, बनवाई जाए तो हो गई आर्टिफिशियल। इसका एग्जाम्पल है नेचुरल इन्फेक्शन, जैसे हमें जुकाम होता है कॉमन कोल्ड, और यह है वैक्सीनेशन कि हमसे बनवाई गई, बनाई हमने पर हमसे बनवाई गई। इसके एग्जाम्पल है टेटनस और पोलियो। अब बात करते हैं पैसिव की। देखो पैसिव में क्या था, हमने एंटीबॉडीज को कहीं बाहर से लिया था, तो बाहर से अगर हम एंटीबॉडीज को अपनी मदर से लेंगे तो उसको बोल देंगे नेचुरल। ठीक है, नेचुरल सिंपल सी बात है, हमारा मदर के साथ नेचुरल रिश्ता होता है क्योंकि हम माँ का दूध भी पीते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम मदर के साथ ब्लड के कॉन्टेक्ट में भी होते हैं, तो ये हो गया नेचुरल पैसिव। ठीक है, और आर्टिफिशियल अगर हमारे को एंटीबॉडीज दे डॉक्टर, डॉक्टर अगर एंटीबॉडी दे, जैसे हमें सांप ने काट दिया, तो सांप ने काट दिया तो हम एंटी वेनम लगवाने जाएंगे तो वो कौन देगा हमें, डॉक्टर, तो क्या हो गई आर्टिफिशियल। ठीक है, क्लियर। देखो सबसे पहले ब्रीडिंग की कंफ्यूजन से निकलते हैं। देखो ब्रीडिंग कितने टाइप की है, ब्रीडिंग है दो टाइप की, कौन सी, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, इन आउट। ठीक है, इन ब्रीडिंग में क्या होता है, ब्रीड एंड एंसेस्टर दोनों सेम होते हैं, और आउट ब्रीडिंग अब फर्दर तीन टाइप की है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, ब्रीड सेम होती है बट एंसेस्टर क्या डिफरेंट होता है, और क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड एंड एंसेस्टर दोनों डिफरेंट होते हैं, और इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में। अब इसमें तो स्पीशी के बीच में है तो दोनों स्पीशी ही अलग हो जाएंगी, तो ब्रीड या एंसेस्टर की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बी कीपिंग मधुमक्खी पालन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एपिकल्चर बोलते हैं, और एपिस इंडिका जो स्पीशी है वो मोस्ट कॉमन स्पीशी है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो फॉर फूड, खाने के लिए फ्रेश वाटर फिशेस भी यूज होती हैं और मरीन वाटर फिश भी यूज होती हैं। फ्रेश वाटर कौन सी है, केटला, रोहू एंड कॉमन कार्प, और मरीन वाटर कौन सी है, हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरल एंड पोमफ्रेट्स। ठीक है, अब देखो बात करते हैं वीट के बारे में कि एनसीईआरटी में वीट के बारे में क्या दिया हुआ है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, इसका सेंटर कहां पे है, मेक्सिको में है। ठीक है, और इंडिया की सेमी ड्वार्फ वैरायटी वीट की कौन सी है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। अब वीट के बाद बात करते हैं राइस के बारे में। देखो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, फिलीपींस में है ना, और ये IR8 वैरायटी है, ये कहां पे डेवलप हुई थी, IRRI यहीं पे डेवलप हुई थी। ठीक है, और एक वैरायटी है ताइचुंग नेटिव वन, ये नाम से याद आ जाएगा कि ताइवान में डेवलप हुई थी। ठीक है, और इंडिया की कौन सी है, जया एंड रत्ना। क्लियर है, अब बात करते हैं शुगर केन के बारे में। देखो शुगर केन की दो वैरायटी है, सैक्केरम बारबेरी एंड सैक्केरम ऑफिसिनेरम। अब जो बारबेरी है वो नॉर्थ इंडिया में होती है और सैक्केरम ऑफिसिनेरम है वो सिर्फ साउथ इंडिया में होती है। अब देखो जो ये सैक्केरम बारबेरी थी ये बैड क्वालिटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है, और ये अच्छी क्वालिटी है। अब दिक्कत ये है, ये अच्छी क्वालिटी है और ये हमें नॉर्थ इंडिया में भी चाहिए, पर दिक्कत क्या है कि ये साउथ इंडिया में होती है, नॉर्थ इंडिया में ये होती ही नहीं है ना, उगाई नहीं सकते, तो मजबूरी होगी कि बैड क्वालिटी का शुगर केन उगाना पड़ेगा। तो अब इसका समाधान क्या निकाले, तो क्या किया, इन दोनों वैरायटीज का क्रॉस कर दिया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन दोनों वैरायटीज का क्रॉस कर दिया, और जो नई अच्छी क्वालिटी बनी उसको क्या है, पूरे इंडिया में उगाया जा सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं, ये छुपे रहते हैं एनसीईआरटी में। देखो फंजाई से कौन सी बीमारियां, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और बैक्टीरिया से कौन सी दी हुई है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। ठीक है, और वायरस से कौन सी है, टोबैको मोज़ेक एंड टर्निप मोज़ेक, एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये, इनको इग्नोर मत करना। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्चुअल बात करें तो हाइब्रिड मेज जो कब बनी थी, साल 2000 में तैयार की थी, उसमें क्या है, ट्वाइस मतलब दो गुना क्या है उसमें, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन नॉर्मल मेज से हाइब्रिड मेज में दो गुना है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एटलस 66 जो कि किसकी वैरायटी है, वीट की, एटलस 66 वीट की वैरायटी है, याद रखना है, और उसमें खासियत क्या है, उसमें हाई प्रोटीन है, यह पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, एक है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आयरन फोर्टिफाइड राइस, अब इसके नाम से ही हो जाएगा कि इसमें आयरन ज्यादा है, और कितना है, पांच गुना ज्यादा, यह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना है, पांच गुना ज्यादा आयरन है इसमें। ठीक है, अब एक नेक्स्ट है म्यूटेशन में, देखो इसको ऐसे याद रखना, M4 म्यूटेशन से M4 मूंग बीन में रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, किसके खिलाफ, येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ। ठीक है, अब एक बात करें अगर सिंगल सेल प्रोटीन की, सिंगल सेल प्रोटीन का सिंपल सा फंडा ये होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे, देखो अगर 250 किलो की गाय है, ठीक है, कोई 250 केजी की गाय है वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है एक दिन में, और दूसरी तरफ बात करें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की,
कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, ये 200 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, 25 टन ऑफ प्रोटीन। तो आप फर्क देख लो, तो यही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर, जितनी भी एनसीईआरटी में उसकी टर्म्स दी हुई हैं उनकी कंफ्यूजन से निकलेंगे। ठीक है, देखो ये है एक प्लांट, ये है एक प्लांट। अब मैंने क्या किया, प्लांट का एक छोटा सा कोई भी पार्ट लिया और इस पार्ट को, प्लांट के इस पार्ट को मैंने लैब में न्यूट्रिएंट सब जो इसको खाना पीना चाहिए वो देके इससे मैंने एक नया प्लांट तैयार कर दिया। ठीक है, नया प्लांट तैयार कर दिया। तो देखो जो ये मैंने पार्ट दौड़ा है इसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट, है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट। और इस एक्स प्लांट की जो कैपेसिटी है, इस एक्स प्लांट की जो पोटेंसी है नया प्लांट जनरेट करने की, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अब हम इस एक्स प्लांट से लैब में हजारों हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर का यूज करके जो हमने इसे एक्स प्लांट अलग किया, इसे हम हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो हमने ये प्लांट से ये एक्सप्लांट अलग किया था और इससे हम जो नए प्लांट बनाएंगे वो जेनेटिकली बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली, है ना, इसी से तो बनाए हैं। तो इस रीजन से इनको क्या बोल देते हैं हम, सोमा क्लोन्स। तो ये सारी टर्म्स क्लियर है बिल्कुल। अब अगर लास्ट में एक बात करें, देखो अगर हम दो प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, जैसे पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखो हमने पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स किया तो नया ही प्लांट बन गया जिसका नाम है पोमेटो। अब पोमेटो अपने काम का नहीं बना था, बन तो गया था पर अपने काम का नहीं था क्योंकि इसमें डिजायरेबल क्वालिटी जो हमें चाहिए थी वो नहीं आ पाई थी। ठीक है, एनसीईआरटी की इस टेबल को याद करने की ट्रिक, देखो एनसीईआरटी की टेबल्स को याद करने का सिंपल सा फंडा है कि कुछ ऐसा मेथड लगाओ कि आपको डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो एग्जाम में क्लिक कर जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार रटते रहें और बार बार भूल जाएं, कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि डायरेक्ट वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वीट। देखो वीट का क्वेश्चन आते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, व्हाट इज हिमाचल। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हिमाचल, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा कि हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग छुट्टियां काटने मतलब रेस्ट करने जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज हिमाचल, हिमाचल क्या है, हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग रेस्ट करने जाते हैं। तो व्हाट से हमारे पास आया वीट, हिमाचल से आ जाएगा हिमगिरी जो वीट की वैरायटी हो गई, और ये हो जाएंगी हमारे पास डिजीज। हिली से आई हेलबंट और रेस्ट से आई रस्ट, सिंपल है। अब नेक्स्ट है ब्रासिका। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, हमारे इंडिया में जो सोना होता है, सोना यानी स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण को क्या बोलते हैं हम, सोना। तो हमारे इंडिया में जो स्वर्ण या सोना होता है वो कैसे कलर का होता है, हमें पता है वो येलोइश कलर का होता है, पर जो ब्राजील में स्वर्ण होता है यानी ब्राजील में जो सोना होता है वो व्हाइट कलर का होता है। सिंपल है, जो ब्राजील में स्वर्ण होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ब्राजील से हमें याद आएगा ब्रासिका और स्वर्ण से याद आएगा पूसा स्वर्णिम और व्हाइट से हमें याद आएगा व्हाइट रस्ट। ठीक है, ये क्रॉप हो गई, ये वैरायटी हो गई और ये डिजीज हो गई, सिंपल है। अब नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। देखो इसकी भी अगर आप ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो सिंपल है, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, फूल गोभी। तो आपने फूल गोभी को देखा है, कॉलीफ्लावर को देखा होगा, वो कैसी दिखती है, बिल्कुल सफेद कलर की कैसी दिखती है, एक बर्फ के गोले जैसी। बर्फ के गोले को हम क्या बोलेंगे, स्नोबॉल। ठीक है, कॉलीफ्लावर कैसी दिखती है रियल लाइफ में, बर्फ के गोले जैसी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्नोबॉल, मतलब बर्फ का गोला। तो एस फॉर स्नोबॉल से हमें याद आ जाएगा एस फॉर सुभरा। तो कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी, पूसा स्नोबॉल एंड पूसा सुभरा। सुभरा कहां से याद आएगी, एस से, S4 था स्नोबॉल और S4 आ जाएगा सुभरा। अब इसकी डिजीज, देखो आपने गोभी को देखा हो अगर ध्यान से, तो व्हाइट गोभी पे आपने ब्लैक ब्लैक मार्किंग सी देखी होंगी। ठीक है, गोभी पे आप ध्यान से देखना, जो ब्लैक ब्लैक मार्किंग सी होती है वो होता है ब्लैक रोट। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ याद नहीं करना था, ये ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है काउपी। इसकी ट्रिक हम करेंगे काउ से, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो जो काउ होती है, जो गाय होती है, उसे हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। हमें पता है कि काउ को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, पवित्र मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल मानते हैं। सिंपल है, काउ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं, तो ये कोमल तो यहां से याद हो गया, सिंपल है। अब आगे चलते हैं। देखो काउ के मिल्क में आपने सुना होगा, टीवी में एड भी आती है कि काउ के मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब काउ का जो मिल्क होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, काउ का मिल्क ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो काउ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं और उसका मिल्क एंटी बैक्टीरियल होता है। तो काउ से हमें याद आया काउपी, कोमल से आया पूसा कोमल, और एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरियल से हमें याद आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, अब लास्ट है चिली। देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक ही एडवाइस दूंगा कि सदा चिल करो, मतलब हमेशा मजे करो, सदा चिल करो। तो सदा से आया पूसा सदाबहार और चिल से आया चिली, मतलब चिली की जो वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा सदाबहार, सदा चिल करो। अब देखो इसकी डिजीज, देखो इसके नाम से ही हो जाएगी, चिली से हमें याद आ जाएगा चिली मोजेक वायरस। अब चिली मोजेक वायरस से हमें एक आइडिया लग गया कि पूरी टेबल में जो मोजेक वायरस वर्ड है वो सिर्फ चिली में यूज हो रहा है, तो टोबैको मोजेक वायरस भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा चिली में।
कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूअर्स यीस्ट किसको बोलते हैं? ब्रूअर्स यीस्ट सैक्यारोमाइसिस सर्विसियाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेंसिलिन। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट किया जाएगा। अब देखो ये एक जगह पे कर लेते हैं, देखो एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, देखो पॉलीस्पोरम स्पोरम से याद आ जाएगा, स्पोरिन साइक्लोस्पोरिन ए, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम ब्यूटायरिक एसिड, एस्परगिलस नाइगर साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखो, अल्कोहलिक ड्रिंक्स दो टाइप की होती हैं, या तो विदाउट डिस्टिलेशन या विद डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी होती है? बियर वाइन, और विद डिस्टिलेशन विस्की रम एंड ब्रांडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, इसका आंसर है स्टेटिन। अब देखो स्टेटिन, स्टेटिक क्या होता है? स्टेटिक होता है मतलब हम एक जगह पे खड़े रहे, मूवमेंट ना करें। तो हम एक जगह पे खड़े रहेंगे हमेशा, मतलब भाग दौड़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे रखना। और ये कहां से मिलता है? मोनेस्पस पुरपुरस। ठीक है, और एक इसी के साथ आपको कंफ्यूज करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले के साथ क्लोटबस्टर। क्लोटबस्टर क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कहां से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियरेंस ऑफ बोटल्ड फ्रूट जूस। फ्रूट जूस जो बोटल्ड फ्रूट जूस होता है वो किससे क्लियर किया जाता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेक्टिनेस एंड प्रोटीएसिस। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इसकी फुल फॉर्म बताओ, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट भी एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैसेस। बायोगैसेस कौन सी होती है? देखो ये मैंने बड़ी मीथेन बड़े साइज में इसलिए लिखी है क्योंकि सबसे ज्यादा मेन जो होती है मीथेन होती है, और कौन सी CO2 भी होती है, थोड़ी बहुत H2 भी होती है। ठीक है, अब देखो मिथेनोजींस जो बैक्टीरिया वो कहां पे पाए जाते हैं? र्यूमन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं। अब एक एनसीईआरटी की लाइन बोलने जा रहा हूं, है ना, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एफिड्स एंड मॉस्क्यूटो कंट्रोल्ड बाय लेडीबर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्यूलोवायरस। देखो बैक्यूलोवायरस जो होते हैं वो किस काम आते हैं? इंसेक्टिसाइडल होते हैं ना, इंसेक्ट्स को मारने में काम आते हैं। अब इनकी खासियत क्या है, है ना, बैक्यूलोवायरस का जो इंसेक्टिसाइडल एक्शन होता है वो कैसा होता है? स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम, इसलिए बहुत अच्छे। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जीरो टाइम पे स्टार्ट करते हैं। देखो इंडिया इनिशिएट फैमिली प्रोग्राम इन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDRI की फुल फॉर्म, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTP इज कंसीडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेशनल अमेनोरिया इज इफेक्टिव अप टू 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP। MTP यानी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमनियोसेंटेसिस इज बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल डेज 10 to 17 आर फर्टाइल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन ऑफ मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड स्टरलाइजेशन ऑफ फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCH की फुल फॉर्म, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो प्रेगनेंसी को रोकने के नेचुरल मेथड कौन से? पीरियोडिक अब्सटिनेंस, विदड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशनल अमेनोरोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पिल्स इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस ए वीक ओरल पिल कौन सी? सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आयोडीज का क्वेश्चन है, आयोडीज कौन सी? नॉन मेडिकेटेड, जिसका एग्जांपल है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग जिसके एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हॉर्मोन रिलीजिंग प्रोगेस्टेरोन LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डिफरेंट आयोडीज का फंक्शन दिया गया, नॉन मेडिकेटेड वाली क्या करती है? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कॉपर रिलीजिंग क्या करती है? स्प्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, हॉर्मोन रिलीजिंग क्या करती है? मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इनफर्टिलिटी इज प्रिवेंटेड बाय आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। अब आर्ट हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, इन विट्रो या इन वीवो। इन विट्रो का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, और इन वीवो का मतलब है फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। अब इन विट्रो में हमारे पास क्या क्या आता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ZIFT। ZIFT का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन
फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आईयूटी, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, नाम से ही पता लग रहा है यूट्रस में ट्रांसफर होगा, यहां पे नाम से क्या था फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा और यहां पे यूट्रस में, बस डिफरेंस इतना है इसमें था जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स और इसमें है जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, क्लियर है। और इसमें लास्ट है ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें भी नाम से ही याद कर लो इसको कि साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है साइटोप्लाज्म किसका होगा ओवम का, ठीक है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। अब है इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्स्ट है गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें जो फीमेल या मदर होती है वो अबनॉर्मल होती है, मतलब वो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो ओवम क्या होगा किसी डोनर से ले लिया जाएगा, ओवम फ्रॉम डोनर किसको दे दिया जाएगा अबनॉर्मल फीमेल को। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें क्या होता है सीमन फ्रॉम हस्बैंड या डोनर से लेते हैं, सीमन हस्बैंड या डोनर से लेते हैं और आर्टिफिशियली बिल्कुल नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल मदर में इंसेमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सबसे पहले इसके साइंटिस्ट रिवाइज कर लेते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लाइव सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, सेल थ्योरी शेल्डन एंड शॉन, सेल हाइपोथेसिस ओनली शॉन, ओमनी सेलुला ए सेलुला रुडोल्फ वर्चो, फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन, डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी, डिस्कवर्ड राइबोसोम जॉर्ज पैलेट, फोर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन सी, बैसिलस कैसी, रोड लाइक कोकस कैसी, स्फेरिकल विब्रियो कोमा शेप और स्पाइरिलम स्पाइरल, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कौन सी है, राइबोसोम सेंट्रियोल न्यूक्लियोलस एंड इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। नेक्स्ट है सेल एनवेलप किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, आउटर में क्या होगा ग्लाइकोकैलिक्स मिडल लेयर सेल वॉल और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है। अब देखो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें है ना, इरिथ्रोसाइट का एग्जांपल दिया हुआ है, तो प्रोटीन कितना होता है उसमें 52% और लिपिड कितना 40%। अब देखो नेक्स्ट है मीजोसोम्स, मीजोसोम्स क्या होते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर बात है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वालों का फंक्शन क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ वालों का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। अब अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम देखो 70S या 80S, ठीक है, 70S क्या होगा 50S प्लस 30S और 80S क्या होगा 60S प्लस 40S। अब नेक्स्ट देखो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिड, देखो प्लास्टिड को तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब यहां पे अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, इलायोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स, ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। देखो अमाइलो तो वर्ड किसके रिलेटेड होता है, स्टार्च के, मतलब कार्बोहाइड्रेट वही हो गया है ना, और एल्यूरो एल्यूवेरा, एल्यूवेरा ऐसे याद रखना बहुत फायदेमंद होता है, तो उसमें बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेना, इस पूरे फ्लो को समझना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेना, ग्रेना के अंदर होते हैं थाइलाकोइड्स और थाइलाकोइड्स के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। नेक्स्ट है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। अब लाइजोसोम की अगर बात करें तो लाइजोसोम में क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और जिनका फंक्शन क्या होता है डाइजेशन, ठीक है। अब देखो क्रिस्टा, क्रिस्टा क्या होते हैं, क्रिस्टा क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टा, क्लियर बात है। अब एनसीईआरटी में ये लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, ये बात है। नेक्स्ट है मिडल लैमेला, मिडल लैमेला किसका बनना होता है कैल्शियम पैक्टेट का, ठीक है। अब देखो यहां पे ये बात करें, अगर देखो इसमें क्या है दोनों आर्म बराबर हैं, मतलब बिल्कुल बीच में है सेंट्रोमियर, तो ये है मेटासेंट्रिक। अब ये वाला आर्म तो देखो सब में बराबर है, सब में बराबर है, सब में इक्वल है, ठीक है। अब देखो इससे ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो गया तो सब मेटासेंट्रिक, और ये बिल्कुल छोटा सा रह गया तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ये टकला हो गया T4 टकला, T4 टिलोसेंट्रिक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, टू टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेशन इनिशिएशन, ठीक है, रेप्लीकेशन की इनिशिएशन के लिए कौन सा सीक्वेंस, ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं,
है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, कौन सा? प्लाज्मिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स ऐसे एंजाइम जो लिंक्स या जॉइन कुल मिलाकर जो फेविकोल का काम करते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए लाइगेज। लाइगेज जहां वर्ड आ जाए मतलब जोड़ना। ईएफबी की फुल फॉर्म, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हिंद टू। यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इको आर वन नहीं लिखना है, हिंद टू लिखना है। फर्स्ट मतलब पहले नंबर पे अपने देश को रखना है, हिंदुस्तान को रखना है, इको आर वन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं वो एंजाइम्स की कौन सी क्लास से बिलोंग करती हैं? न्यूक्लियेजेस, है ना, नाम में ही आता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेस, तो न्यूक्लियेजेस उनकी क्लास है। अब ये डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुई है कितनी हुई है, लगभग 900 हुई है, और कहां से हुई है? मोर देन 230 strains of bacteria। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, कौन सी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स यूज होता है वो है एगारोस जेल। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम, डीएनए फ्रेगमेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से? एगारोस जेल से। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगारोस, एगारोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड टू स्टेन डीएनए? इथिडियम ब्रोमाइड, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, देखो डीएनए का सेल में इंसर्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर बात है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, नाम में ही आ गया, थर्मस, थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू एनिमल सेल, यहां पे प्लांट सेल नहीं है, माइक्रो इंजेक्शन जब बात की जाए तो एनिमल सेल है, इसको याद ऐसे रखना कि इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन हम ह्यूमंस को लगाए जाते हैं ना कि प्लांट्स को, तो एनिमल है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड डीएनए इज कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड फॉर डीएनए आइसोलेशन, चिल्ड इथेनॉल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो डायवेलेंट कटायंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम, वो क्या करते हैं? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए अपटेक की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। क्लियर बात है। लास्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन, क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसको ऐसे याद रखना पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, देखो एस ब्लॉक से सेपरेशन, पी ब्लॉक से प्यूरिफिकेशन, और इनका रिजल्ट क्या है? डी ब्लॉक, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। क्लियर है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड्रोजन्स आर सिक्रेटेड बाय, मेल एंड्रोजन्स को कौन सिक्रेट करता है? लिडिक सेल। नेक्स्ट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड फंक्शन, देखो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लोइड और डिप्लोइड, सीधी सी बात है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अभी तक मियोसिस नहीं हुई है, तो मियोसिस नहीं हुई तो क्या होंगी? डिप्लोइड होंगी, है ना, मियोसिस होगी तभी तो वो हैप्लोइड बनेंगी, तो अभी तक मियोसिस नहीं हुई मतलब ये हुई डिप्लोइड। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस, देखो यहां पे इन दो चीजों में बिल्कुल क्लियर रहना है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म्ड होती है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। LH जो हार्मोन होता है एक्स एट, देखो इसका एक कनेक्शन बना के रखना है, देखो LH जो है वो लिडिक सेल पे एक्ट करेगा, और लिडिक सेल पे एक्ट करेगा तो LH क्या स्टिमुलेट करेगा? एंड्रोजन्स की सिक्रीशन, है ना, हमने पहला ही क्वेश्चन किया गया था कि मेल एंड्रोजन कहां से सिक्रीट होते हैं? लिडिक सेल से। तो LH जो है वो लिडिक सेल पे एक्ट करेगा तो लिडिक सेल जो है वो क्या सिक्रीट करेंगी? एंड्रोजन्स, मेल एंड्रोजन्स। ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम हेल्प्स इन, जो स्पर्म में जो एक्रोसोमल एंजाइम होता है वो किसमें हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, फिम्ब्रियाई,
फिम्ब्रिया की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, वो ओवम को रिसीव करने के लिए ही उसकी शेप ही ऐसी होती है फिम्ब्रिया, ठीक है। द सेल्स ऑफ अल्वियोलाई, डैश में आएगा अल्वियोलाई सिक्रेट मिल्क, ठीक है। अल्वियोलाई के सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, मिल्क सिक्रेट करते हैं, सिंपल है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब बिगिन होती है, प्यूबर्टी पे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मिनार्क, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मिनार्क। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। विच हॉर्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, LH, जो LH सर्ज होती है वो क्या कॉज कराती है, ओव्यूलेशन की, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्रोमोजोम आर देयर इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन, जाइगोट में कितने क्रोमोजोम, 46। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मोरुला। नेक्स्ट, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमर्स की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, ठीक है। विलाई आ गया तो मतलब फिंगर लाइक याद हो जाएगा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, बिल्कुल सिंपल है। तो द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन के दौरान इनिशियल जो इनिशियल मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, डायरेक्ट है, सिंपल है। ये कुछ डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करती है, एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। विच हॉर्मोन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल, देखो ये वर्ड जहां पे भी आ जाए ना, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, यूट्राइन मसल, वहां पे आंसर कौन सा हॉर्मोन आएगा, ऑलवेज ऑक्सीटोसिन। Which part of sperm produce energy for the movement of tail? देखो sperm का कौन सा part है जो energy produce करता है, तो simple सी बात है middle piece, क्यों, क्योंकि middle piece में क्या होते हैं, mitochondria, तो mitochondria का relation होता है energy के related, तो middle piece answer है, simple है। First question, how old is universe? Universe की simple age पूछी गई है, कितना, 20 billion years। Next question, कि किस theory ने attempt किया था origin of universe को explain करने का, किसने, Big Bang theory ने। Next question, earth की age पूछी गई है कितनी, 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डेमोंस्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, किसने, लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ओपेरिन कहां का था, रशिया, और हेल्डेन कहां का साइंटिस्ट, इंग्लैंड, क्लियर है ये बात, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस इन मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1953, और उसमें कौन सी गैसेस थी, CH4, मिथेन, H2, NH3 और वॉटर वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डार्विन कौन सी शिप में गया था, HMS बीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन अल्टीमेटली रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, जहां वर्ड आए वहां उसको डार्विन के साथ हमेशा मैच कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं जिनका ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो, और एनालोगस कौन से जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो, क्लियर है। अब होमोलोगस किस टाइप का इवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट, और एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है, लाइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डार्विन कौन से आइलैंड पे गया था, गैलापागोस आइलैंड, और अल्फ्रेड वेलेस कौन से आइलैंड पे गया था, मलाय आर्किपेलागो आइलैंड, ठीक है, ये क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन कौन से हैं, डार्विन, फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। नेक्स्ट है, डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय, डार्विन को किसने इन्फ्लुएंस किया था, थॉमस माल्थस ने। नेक्स्ट है, ह्यूगो डी वराइज वर्कड ऑन, ह्यूगो डी वराइज ने कौन से प्लांट पे काम किया, इवनिंग प्राइम रोज पे। नेक्स्ट है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन, क्लियर है। नेक्स्ट है, देखो साउथ अफ्रीका में 1938 में सीलोकैंथ ये वाली फिश मिली थी, पर अब यहां पे मेन पॉइंट क्या है कि ऐसा सोचा जा रहा था कि ये फिश एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर ये यहां पे इस साल में मिल गई, ठीक है, ये है इसका पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी कौन से, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कौन से, म्यूटेशन, दूसरा माइग्रेशन, माइग्रेशन को आप जीन फ्लो भी बोल सकते हो, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन।
नेक्स्ट है बिगेस्ट डायनासोर, एनसीईआरटी में लिखा है ट्राइनासोरस, 20 फीट इसकी हाइट हो सकती है। नेक्स्ट है फिश लाइक रेप्टाइल्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इक्थियोसॉरस, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रूज, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब देखो ये थोड़े हम ये साइंटिस्ट इस चैप्टर के रिवाइज कर लेते। देखो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। होट डाइल्यूट सूप ये वर्ड किसने दिया, हेल्डेन ने। नेक्स्ट है जर्म थ्योरी किसने दी, लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट है म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, ह्यूगो डी ब्राइज ने। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन किसने दिया, थॉमस माल्थस ने। एंड प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किसने दिया, चार्ल्स लेल ने। अब ये दो बंदे थे ना जो थॉमस माल्थस एंड चार्ल्स लेल, इन दो बंदों ने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी, डार्विन ने। केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मिलर एक्सपेरिमेंट, जो मिलर एक्सपेरिमेंट है ना बहुत फेमस है वो वाला। एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस ये चीज किसने बताई थी, लेमार्क ने। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन से, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैन, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में तीन जावा मैन पहले आए, फिर आए पेकिंग मैन, फिर हिडेलबर्ग, फिर आए होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस में सबसे पहले आए नियंडरथल, फिर क्रो मैग्नन मैन, फिर सबसे अभी जो चल रहा है हम जो है मॉडर्न मैन। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेमन, देखो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं क्या, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर, और एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड एंड डायथिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरिंजिया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एंथर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरिंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरिंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरिंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरिंजियम की चार कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन लेयर्स के ही रिलेटेड है कि जो बाहर की आउटर थ्री लेयर हैं, मतलब कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्लस डिहाइसेंस, कुछ भी बोलो, है ना। और टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट, है ना, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, पोलन को नरिशमेंट, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, कौन सा टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय पोलन ग्रेन्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन्स एनसीईआरटी में दिया है 25 to 50 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन की लेयर्स क्या है ना, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, और इनर लेयर को बोलेंगे एंटाइन, ठीक है। और एक्साइन, एक्साइन किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के लिए एक खास बात याद रखना कि ये बहुत बहुत टफ स्ट्रक्चर होती है ना, ये हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशंस को ये झेल सकती है। और एंटाइन थोड़ी उससे कमजोर होती है, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज पेक्टिन, है ना। एक्साइन बहुत हार्ड सरफेस होती है स्पोरोपोलिनिन की वजह से, ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन, देखो मैच्योर पोलन ग्रेन में दो टाइप की सेल होती है, एक तो वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के जो भी, इनके बारे में जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वह पूरा इसमें लिख दिया मैंने। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है और इसमें क्या होता है, रिजर्व्ड फूड होता है ना, और इसमें क्या है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, है ना, ये तीन बातें याद रखनी है, बड़ी होती है साइज में, रिजर्व फूड होता है, और न्यूक्लियस इरेगुलर, है ना। और जनरेटिव सेल स्मॉल, ये बिगर थी, ये स्मॉल होती है, और ये फ्लोट्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, मतलब जनरेटिव जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरेगी, सिंपल है ना, ये छोटी है, ये बड़ी है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन शेड एट, देखो 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज में हो जाते हैं ना, और 40% में थ्री सेल में। अब इसको याद कैसे रखना है, सिंपल है, देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा, 120, और 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 120, हाँ, तो याद हो जाएगा, 2 सेल थे 60% में, 3 सेल थे 40% में, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जिक पोलन्स, एलर्जिक पोलन्स किसके होते हैं, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय गाइनोशियम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जो ये गाइनोशियम है मतलब ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है लगभग। अब ये है जो मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पेलरी भी होता है। अब ये नाम से ही पता लग रहा है, मोनो मोनो मतलब उसमें होगा सिंगल पिस्टल, और मल्टी मल्टी मतलब मोर देन वन, है मल्टी कार्पेलरी में होगा मोर देन वन पिस्टल। अब ये पिस्टल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जो पिस्टल होता है, पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरा वही लाइन टू लाइन लिखा है। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, और स्टाइल एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट, और ओवरी बेसल बल्ज पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूल्स इन ओवरी, देखो इसको ऐसे समझो, ओव्यूल्स एक तरह से सीड होते हैं और ओवरी क्या होते हैं, फ्रूट, है ना, तो फ्रूट में सीड वन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वन किस किस में होते हैं, व्हीट, पैडी, मैंगो, है ना, और मैनी किस में, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाई फ्यूनिकल, डायरेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, डायरेक्ट आंसर है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, क्या बोलते हैं उनको, इंटेग्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाई चलाजल एंड, और इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, माइक्रोपाइलर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल गेमिटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्ब्रियोसैक, बहुत इस पे 5 स्टार लगा लेना, सुपर हिट क्वेश्चन है, फीमेल गेमिटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्ब्रियोसैक। अब ये देखो मैंने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया एम्ब्रियोसैक का कि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखो ये पूरा है क्या है, एम्ब्रियोसैक, ये कौन सा एंड, चलाजल एंड, और इसके ऑपोजिट कौन सा एंड, माइक्रोपाइलर एंड, है ना। चलाजल एंड पे क्या है, 3 एंटीपोडल सेल, है, और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है, एग अपरेटस। अब एग अपरेटस में क्या है, हमारे पास 2 सिनर्जिड्स हैं और 1 एग सेल है, क्लियर है, और बीच में क्या है, बीच में है सेंट्रल सेल, ये पूरी क्या है, सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, एग अपरेटस में क्या क्या होता है, एग अपरेटस में क्या क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 एग सेल, 3 सेल होगी टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक इज, क्या होता है, 8 न्यूक्लियेट एंड 7 सेल्ड, है ना, 7 सेल होती है और न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8, है ना। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सेल तो 7 थी, 8 न्यूक्लियस कैसे हो गए, तो वो 2 बीच में पोलर न्यूक्लिया होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेशन, देखो पोलिनेशन 3 टाइप की, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी, हाँ। अब देखो इसमें सिंपल सा है, ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, और इसमें जिटोनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, और जीनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब अगले कुछ क्वेश्चन पोलिनेशन के ऊपर है, तो मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठा के लिखी हुई है, ठीक है। देखो, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक या अबायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन, मतलब इसने पूछा है कि ज्यादातर प्लांट्स किस टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, बायोटिक का या अबायोटिक का, तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है बायोटिक एजेंट्स का, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स का पोलिनेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाइंड पोलिनेशन, है ना, वाइंड पोलिनेशन में किस टाइप के पोलन ग्रेन होने चाहिए, लाइट एंड नॉन स्टिकी, सिंपल सी बात है, हवा में उड़ना है उनको तो उनका वजन कम होना चाहिए और वो कहीं चिपकने नहीं चाहिए, है ना, फ्रीली उड़ सके, आराम से उड़ सके। नेक्स्ट है, वाइंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि वाइंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटर पोलिनेटेड प्लांट्स कौन से, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जूस्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलेस्ट फ्लावर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अमॉर्फोफेलस, 6 फीट इसकी हाइट भी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टेक्निक्स यूज्ड इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, ईमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये पूरा फ्लो याद रखना, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो से बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर हम मैच्योर सीड्स की बात करें तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, और ये किस बेस पे डिवाइड किया कि अगर एंडोस्पर्म रेजिडुअल एंडोस्पर्म अब्सेंट होगा तो वो होगा नॉन एल्ब्यूमिनस, और रेजिडुअल एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो वो होगा कौन सा सीड, एल्ब्यूमिनस सीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। सिंपल सा है, ओव्यूल है उसका मैच्योरिटी के बाद क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, और ओवरी मैच्योर होकर क्या बना देती है, फ्रूट। ठीक है, ओव्यूल होगा ओवरी के अंदर, है ना, ये कैसे, इसमें कुछ याद थोड़ी करना है, सीड किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। डायरेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है। देखो, ट्रू फ्रूट क्या होता है कि फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम दी ओवरी, है ना, जो फ्रूट ओवरी से डेवलप हो वो होगा ट्रू फ्रूट, और ओवरी से अलग कोई जगह, है ना, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी से अगर फ्रूट डेवलप होता है उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन कौन से, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के कुछ डाटा टाइप ही लगा लो कि ओल्डेस्ट सीड किसके, लुपाइन के, ये इसका साइंटिफिक नेम, और ये 2000 साल पुराने ये वाइबल सीड किसके, फिनिक्स डेक्टिफिलिफेरा, ये भी एनसीईआरटी का डाटा टाइप क्वेश्चन लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस प्रेजेंट इन, ये भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए कौन से, एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। सिंपल सा है, नाम से ही हो रहा है, मोर देन का मतलब, मोर देन वन का मतलब क्या होता है, पोली, है ना, पोली, और ये एम्ब्रियो मतलब पोली एम्ब्रियोनी, है ना, मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पोली एम्ब्रियोनी। अब इसके पोली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट कहां पे होती है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा कहां पे, साइट्रस एंड मैंगो। सबसे पहला क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला कितना होता है, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी तक आपने बता भी दिया होगा कितना होता है, 2123/2123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोमिट सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम या पोन्स या मेडुला, जल्दी बताओ। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहां पे होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ सलाइवरी अमाइलेज 6.2, 6.8, 6.6, 7.2, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कितना, 6.8। देखो, अब ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप या सी शेप। अब इसी के साथ ये ड्यूडेनम की शेप कंफ्यूज करती है, जे या सी। तो आप स्टमक की जब डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि स्टमक जे शेप होता है, तो ड्यूडेनम क्या हुई, सी शेप। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वू एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन, वू एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन, और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि वू एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन, वू एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन। तो देखो, पेप्सिनोजन स्टमक में है तो इसको एक्टिवेट कौन करता है, HCL, और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है कौन, एंटेरोकाइनेस। क्लियर है। ठीक है, ये पैंक्रियास से रिलीज होता है, ये स्टमक से रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है चर्निंग मूवमेंट। देखो, चर्निंग मूवमेंट कहां पे देखने को मिलती है, इसोफेगस में या स्टमक में या इंटेस्टाइन में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहां पे होती है, एनसीईआरटी में साफ साफ है, स्टमक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलस वर्सेस काइम, बोलस और काइम में क्या डिफरेंस है। देखो, सिंपल है, जो मान लो हमने कोई भी फूड खाया तो हमारे टीथ और सलाइवा जो फूड का हाल कर देंगे वो है बोलस, और स्टमक में जाके, अब देखो यहां से फूड कहां जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, तो स्टमक में जाके फूड का जो बन जाएगा उसको हम बोलते हैं क्या, काइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो नेचर में कैसे हैं, प्रोटीन हैं या फैट हैं या प्रोटीन प्लस फैट हैं। तो काइलोमाइक्रोन्स प्रोटीन प्लस फैट हैं, इनको लाइपो प्रोटीन भी बोल सकते हैं, लाइपो फैट के लिए और प्रोटीन ये। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, जो न्यूक्लियेज एंजाइम है, न्यूक्लियेज वो कहां से रिलीज होता है, स्टमक, पैंक्रियाज या इंटेस्टाइन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पैंक्रियाज। देखो, ये एंजाइम की कंफ्यूजन से बचने के लिए एक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल रहा हूं, उसको देख लेना, एंजाइम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन चारों सेल के बारे में बताओ, चीफ सेल, पेप्टिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल, पैराइटल सेल। एग्जाम में जाके पक्का कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी थी। तो ऐसे है, देखो चीफ और पेप्टिक एक ही बात है, और ऑक्सेंटिक एंड पैराइटल दोनों एक ही बात है, इन्हीं के दो नाम हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट, कौन सी डक्ट कहां से आती है। देखो, गॉल ब्लैडर से आएगी सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आएगी सिस्टिक डक्ट, और हेपेटिक वर्ड यूज होता है लीवर के लिए, तो लीवर से आएगी हेपेटिक डक्ट, और दोनों मिलके जो डक्ट बना देंगे वो हो जाएगा बाइल डक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है वेट ऑफ लीवर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इन तीन ऑप्शन में से आपको बताना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, 1.2 to 1.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्कस एंटेरिकस, ये पैंक्रियाटिक जूस होता है या इंटेस्टाइनल जूस होता है। देखो जहां पे एंटेरो वर्ड आ जाए ना, एंटेरो मतलब वो इंटेस्टाइन के लिए यूज हुआ है, तो सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ अ ब्रूनर्स ग्लैंड, लोकेशन ऑफ अ ब्रूनर्स ग्लैंड सोच के बताओ, एनसीईआरटी में आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, लोकेशन ऑफ ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पैंक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है या बोथ है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। पैंक्रियाज में एंडो और एक्सो दोनों पार्ट होते हैं, तो ये बोथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माल्टेज एंजाइम है वो पैंक्रियाज से रिलीज होता है या इंटेस्टाइनल जूस में होता है, जो माल्टेज है वो पैंक्रियाटिक जूस में होता है या इंटेस्टाइनल जूस में होता है, तो माल्टेज एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में होता है। और डाइपेप्टाइडेज कहां होगा, पैंक्रियाटिक जूस में या इंटेस्टाइनल में, तो ये भी इंटेस्टाइनल में होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो पीडीएफ देख लेना, एंजाइम की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या होती है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पक्का पक्का गलत हो जाता है। देखो हेपेटिक लोब्यूल्स लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, लैरिंग्स या फेरिंग्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, लैरिंग्स को या फेरिंग्स को, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, किसको, लैरिंग्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ सर्वाइकल या फिफ्थ थोरेसिक या सेवंथ थोरेसिक या सेवंथ सर्वाइकल, मतलब कौन से लेवल पे जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होती है, तो एनसीईआरटी में आप देख लेना साफ साफ लिखा हुआ है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ऑल ब्रोंकियोल्स सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, यस या नो, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है वो होती है अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स, मतलब सारे ब्रोंकियोल्स में नहीं होगी, मतलब इसका आंसर होगा नो, नहीं नहीं है ना, अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स होती है ओनली, सारे ब्रोंकियोल्स में नहीं होती। नेक्स्ट है, देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा तो उसको क्या बोल देंगे, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब बाइंड करेगा तो क्या बोल देंगे, देखो ये कार्बोक्सी और ये हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ये देखो इसका नाम देखो, कार्ब कार्बन यहां से उठाना है, कार्ब ये अमीनो ये हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्लियर है सारी कंफ्यूजन। नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन जो है 97% ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के द्वारा, देखो सिंपल सी बात है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है ना, तो मेनली आरबीसी के द्वारा, और 3% प्लाज्मा, या इसको 3% बोल लो डिसॉल्व्ड फ्रॉम, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। और इधर अगर O2 के बाद CO2 की बात करें, CO2 ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें क्या होता है 70%, 23%, 7%, और इसकी मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, ए बी सी डी, ए का मतलब कुछ भी नहीं है, बी से बाइकार्बोनेट, सी से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और डी से डिसॉल्व्ड फॉर्म, डिसॉल्व्ड मतलब अपनी वही बताई थी ना, जो प्लाज्मा में होती है उसको बोलते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, देखो पार्शियल प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फियर एयर, तो कितना दिया हुआ है एनसीईआरटी में 159। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू, कितना होता है 45 होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्वियोलाई में कितना होता है 104 होता है, 96 होता है, तो 104 होता है। CO2 का पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलाई कितना होगा, 40 या 45, 40, ठीक है, टिश्यू में CO2 ज्यादा होगी 45 और एल्वियोलाई में कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, ये किस में होता है, इंस्पिरेशन में या एक्सपायरेशन में, देखो एक्सपायरेशन में क्या होता है ये रिलैक्स होंगी, और इंस्पिरेशन में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर है एक्सपायरेशन, ठीक है। अगर आपसे एकदम पूछ लिया जाए इंस्टेंट बताओ टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, आईआरवी कितनी है, ईआरवी कितनी है, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इसकी ट्रिक मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है, लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना, ठीक है, तो इसका तो पंगा आप भूल ही जाओ, ये ट्रिक से आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो फेवरेबल कंडीशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, फेवरेबल कंडीशन कौन सी होंगी, ए या बी, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब एक बात तो क्लियर है कि ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन यहां लो PO2, यहां हाई PO2, हाई PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, तो ये होगा आंसर। पर इसमें थोड़ा सा आप और देख लो, देखो
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, CO2 कम होनी चाहिए। अब CO2 जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, एसिडिटी घट जाएगी। तो एसिडिटी जब कम होगी तो H+ आयंस की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है, और टेम्परेचर भी लो। तो ये इस तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां पे, मेड्यूला में होता है, पोन्स में होता है, सेरिबेलम में होता है। तो इसका डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। अब इसके साथ ही एक आपको कंफ्यूज करेगा कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है। तो न्यूमोटॉक्सिक याद रखना, पी फोर न्यूमोटॉक्सिक, पी फोर पोन्स। तो न्यूमोटॉक्सिक पोन्स में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला। इसको वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो, रम याद रख सकते हो, रम रम, ठीक है, रम आर एम रम। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेटरी रिदम रेगुलेशन, सिग्निफिकेंट रोल होता है या इनसिग्निफिकेंट होता है। इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई खास रोल होता नहीं है ऑक्सीजन का रेस्पिरेटरी रिदम की रेगुलेशन में। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तो सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है, सिग्निफिकेंट रोल होता है किसका, CO2 का, CO2 का और H+ आयंस का, CO2 का और H+ आयंस का, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स, ये कौन सी बीमारी में होता है। अब इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज्ड, तो दोनों के ऑप्शन है अस्थमा एंड इन्फाइसीमा। तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन जब वर्ड लिखा जाए ना, इन्फ्लामेशन, तो आंसर जाएगा अस्थमा, अस्थमा, ठीक है। और इन्फाइसीमा का ऐसे याद रखना, देखो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच डिजीज अकर्स ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, अस्थमा या इन्फाइसीमा। इसको ऐसे याद रखना, देखो जो सीमा थी ना, सीमा, सीमा ने क्या किया, सिगरेट पी के दीवार में टक्कर मार दी, है ना, सिगरेट पी के दीवार में गाड़ी ठोक दी, उसको नशा हो गया तो दीवार टूट जाएगी। तो देखो सिगरेट स्मोकिंग और अल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, मतलब दीवार टूट गई, इनका आंसर क्या जाएगा, इम्फाइसीमा। स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले ब्लड की कॉम्पोजिशन। देखो ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना होता है, 55%, और ब्लड सेल्स कितनी होती है, 45%। अब टोटल प्लाज्मा की अगर बात करें, एनसीईआरटी में 2% और दी है कि टोटल प्लाज्मा में वाटर कितना होता है, 90-92%, और प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने होते हैं, 6-8%। अब बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा प्लाज्मा में, उसमें क्या हो जाएंगे, मिनरल्स विनरल्स और ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो ये तीन प्लाज्मा प्रोटीन दिए हुए, जो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, इनके ये फंक्शन है। अब आपको बताना है कि कौन से का कौन से वाला फंक्शन है। तो देखो फिब्रिनोजन तो नाम से ही लग रहा है, फिब्रिनोजन किसमें आएगा, ब्लड क्लोटिंग में आएगा। अब ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, ये वाले दोनों, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इसको ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, आलू याद रखना, आलू, ए एल ओ, ए एल ओ, आलू याद रखना, मतलब एल्ब्यूमिन हो जाएगा ऑस्मोटिक बैलेंस में, और ग्लोबुलिन हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म में, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम। देखो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स या प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये नंबर बताना है, आरबीसी का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना, प्लेटलेट का कितना। ये तो ऑब्वियस है कि कौन से, ये किसमें होंगी, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होंगी। देखो आरबीसी सबसे ज्यादा होती है तो 5 से 5.5 मिलियन, है ना। फिर है प्लेटलेट, लाखों में होते हैं, बोलते हैं ना प्लेटलेट घट गई, 1 लाख आ गई, 80,000 आ गई, तो ये लाखों में होती है, 1.5 से 3.5 लाख। और डब्ल्यूबीसी ये है 6,000 से 8,000, क्लियर है। अब डब्ल्यूबीसी को याद करने की ट्रिक है नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी, मतलब सबसे ज्यादा होगी न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल और बेसोफिल। एसिडोफिल का ही दूसरा नाम है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, क्लियर बात है। अब देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट से बनती है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगर आपसे एकदम पूछ लिया जाए कि इओसिनोफिल और बेसोफिल का फंक्शन इनमें से बताओ कि किसका कौन सा फंक्शन है, ठीक है, तो इसको देखो ऐसे याद रखना है, जो बेसोफिल होता है, जो बेसोफिल होता है वो बिल्कुल बेसिक चीजें रिलीज करता है, बेसोफिल बिल्कुल बेसिक चीजें रिलीज करता है, जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन। और इओसिनोफिल का दूसरा नाम अभी हमने किया था, क्या होता है, एसिडोफिल, तो A फॉर एसिडोफिल, A फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट का फंक्शन होता है फेगोसिटिक, और लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी हमने सारी डब्ल्यूबीसी के फंक्शन कवर कर लिए हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो यूनिवर्सल, ये ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है,
ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्लियर है। अब देखो विच प्लेज रोल इन क्लोटिंग, इनमें से बताना है सोडियम कैल्शियम पोटेशियम फॉस्फोरस। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि कैल्शियम प्लेज रोल इन क्लोटिंग, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है देखो लिम्फ जो है, लिम्फ वो इंटरस्टीशियल फ्लूड होता है या टिश्यू फ्लूड होता है, इन दोनों में से आपको बताना है। अब कईयों ने तो एक ऑप्शन छाट भी लिया होगा, पर अब एनसीईआरटी पढ़ो, दोनों एक ही बात है, लिम्फ इंटरस्टीशियल फ्लूड और टिश्यू फ्लूड, ये दोनों एक ही नाम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक वर्ड आपने सुना होगा क्या, हार्ट बीट, हार्ट बीट, और हार्ट बीट क्या होता है, दिल का धड़कना। हमें पता है कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में दिल 72 टाइम्स नॉर्मली धड़कता है। अब एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी यहां पे कि 72 टाइम्स धड़कता है 60 सेकंड यानी एक मिनट में, तो एक बार कितनी देर में धड़केगा, 60/72, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 सेकंड, और इसी 0.8 सेकंड को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। इतनी बात क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने अभी अभी किया कि कार्डियक साइकिल टोटल कितनी होती है, 0.8 सेकंड की, तो वो 0.8 सेकंड कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है। कंप्लीट डायस्टोल कितना 0.4 सेकंड, एट्रियल सिस्टोल कितना 0.1 सेकंड, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना 0.3 सेकंड। देखो सिस्टोल सिंपली होता है कॉन्ट्रेक्शन और डायस्टोल होता है क्या, रिलैक्सेशन। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए कि एट्रियल सिस्टोल कितना था, टोटल में से कितना था 0.1 सेकंड, तो एट्रियल डायस्टोल कितना हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल अगर 0.1 है तो 0.8 में से 0.1 माइनस कर दो, एट्रियल डायस्टोल 0.7 है ना, और ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0.5 सेकंड, कंप्लीट डायस्टोल है 0.4 सेकंड, क्लियर है। अब एक वर्ड आता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 70 ml। अब ये क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब हार्ट जब एक बार स्ट्रोक मारेगा, मतलब जब हार्ट एक बार बीट करेगा तो इतना ब्लड हर वेंट्रिकल से निकलेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, एक बार बीट करने पे इतना ब्लड हर वेंट्रिकल से निकलेगा, है ना। तो एक बार बीट करने पे कितना ब्लड निकल रहा है, 70 ml, और एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, तो 72 टाइम्स बार बीट करने पे कितना ब्लड निकलेगा, 70 × 72, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 5 लीटर, और इसी 5 लीटर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स किसमें किस टाइप का हार्ट है, 2-chambered, 3-chambered, 4-chambered, तो देखो सिंपल सी बात है, फिश में होता है 2-chambered हार्ट, और एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में होता है 3-chambered, और मैमल्स में कैसा, 4-chambered। अब यहां पे क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि क्रोकोडाइल होता रेप्टाइल है, पर उसमें हार्ट कैसा होता है, मैमल्स की तरह 4-chambered, ठीक है। अब देखो अगर ईसीजी की बात करें तो उसमें क्या होती है, पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। देखो सिंपल सा ऐसे इसको फ्लो में ही याद रखना, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। पी वेव क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी क्या है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एंजाइना, इन दोनों डिसीज में क्या डिफरेंस है, देखो यहां पे वर्ड आ रहा है कोरोनरी, तो ऐसे याद रखना कि जो आर्टरी हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, है ना, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम वेल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है ल्यूमन, तो ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है। और एंजाइना दूसरी तरफ, एंजाइना का मतलब क्या है, इसमें चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जो हार्ट की मसल है ना, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उनको कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, ठीक है। देखो जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे वो अमोनोटेलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे वो यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे वो यूरिकोटेलिक। देखो अब देखो सेकंड पॉइंट, अमोनिया रिलीज करने में सबसे ज्यादा पानी का वेस्ट होता है, और उससे कम इसमें, और सबसे कम पानी का वेस्ट होता है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में। अब इससे हम सिंपली हिसाब लगा सकते हैं कि अमोनिया एक्सक्रीट करने में सबसे ज्यादा पानी का वेस्ट होता है, तो अमोनोटेलिक एनिमल कौन से होंगे, जो पानी में होंगे, है ना, जिनके आगे एक्वेटिक
एक्वेटिक वर्ड आ गया वो सीधे डाल दो अमोनोटेलिक, एम्फीबियंस एक्वेटिक, एम्फीबियंस एक्वेटिक, इंसेक्ट बोनी फिशेस, ऐसे ऐसे पूरा आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। और यूरियोटेलिक कौन से हो जाएंगे, जो लगभग जमीन पे रहते हैं, जैसे मैमल्स हैं जमीन पे रहते हैं, मैमल्स क्या है यूरियोटेलिक, जैसे हम भी यूरियोटेलिक है। और मरीन फिश, अब यहां मरीन फिश, फिश से कंफ्यूज मत होना, आप क्या सोचोगे फिश है तो इसको अमोनोटेलिक में डाल देते हैं कि पानी में रहती है, तो मरीन वर्ड को ध्यान रखना है, मरीन फिश के पास पानी की कमी होती है। और क्या है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है। और यूरिकोटेलिक कौन से हो जाएंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर, प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं या फ्लेम सेल्स होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने सेकंड्स में आंसर दे भी दिया होगा, और जिन्होंने दिया है वो एक बार एनसीईआरटी पढ़े ढंग से। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल एक ही बात है, प्लेटीहेलमिंथिस के ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रॉन्स में, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रॉन्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, इनमें से एक ऑप्शन बताओ, ये पिछले वाले की तरह झोल नहीं है, इनमें से एक ऑप्शन बताओ। तो अब फिर से बहुत लोगों ने एक ऑप्शन टिक मार दिया होगा, पर एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो किडनी के बारे में, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ये होता है, देखो ये दो क्या है किडनी है, फिर किडनी से निकली क्या यूरिटर निकली, यूरिटर कितनी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली दो, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा। अब इन सारी चीजों को मिला के क्या बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है पूरा, है ना। अब एनसीईआरटी में पोजिशन ऑफ किडनी लिखी हुई है, पोजिशन ऑफ किडनी इसको ऐसे याद रखना TLTL, मतलब लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड नंबर तक का पोजीशन ऑफ किडनी है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ही जैसे किडनी के बारे में दिया हुआ है, देखो किडनी के दो पार्ट है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट में क्या है टफ कैप्सूल, और इनर पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोर्टेक्स एंड मेड्यूला। अब मेड्यूला में क्या है पिरामिड्स है, और पिरामिड्स प्रोजेक्ट करते हैं किनमें कैलाइसिस में, सिंपल है, क्लियर है। अब देखो अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। अब देखो यहां पे फिल्ट्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो फिल्ट्रेशन में आपको ये फ्लो याद रखना है, देखो 5 लीटर ब्लड कितना है कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट हमने देखा था ना क्या होता है कि ईच वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है एक मिनट में, ठीक है। तो एक मिनट में हर वेंट्रिकल ने 5 लीटर ब्लड पंप किया। अब 5 लीटर का लगभग 1/5 मतलब कितना 1100-1200 ml कार्डियक आउटपुट टोटल कितनी है 5 लीटर। अब इस 5 लीटर ब्लड में से क्या है लीवर में भी जाएगा, किडनी में भी जाएगा, अपने ब्रेन में भी जाएगा, हर जगह जाएगा। तो किडनी में जितना पहुंचेगा टोटल 5 लीटर में से वो कितना है 1100-1200 ml, इसको बोल देंगे रीनल ब्लड फ्लो। अब इस 1100-1200 ml जो अपनी किडनी के पास पहुंचा इसमें क्या है हमें पता है कि टोटल ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है। अब इसका 55% निकालेंगे तो 625 ml है ना। देखो ब्लड सेल्स तो फिल्टर होंगी नहीं, प्लाज्मा ही तो फिल्टर होगी, तो इसका 55% 625 ml मतलब इतने ml प्लाज्मा जो है वो किडनी पे पहुंची। अब इसकी 1/5 जो है वो फिल्टर हो जाएगी, इसकी 1/5 मतलब 125 ml फिल्टर हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। अगर हर मिनट देखो ये हर मिनट चल रहा है ना, अगर हर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है तो पूरे दिन में यूरिन कितना बनेगा 180 लीटर यूरिन बनेगा पूरे दिन में, पर निकलता कितना है 1 से 1.5 लीटर, और उसका रीजन क्या है रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। देखो अब ये देखो रीअब्सॉर्प्शन की बात करें तो एक एनसीईआरटी की लाइन है ये, 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वॉटर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पीसीटी डीसीटी या लूप ऑफ हेनले, तो इसका आंसर सीधा सीधा है पीसीटी, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वॉटर, ये कौन करता है, ये करता है डीसीटी, इसको ऐसे याद रखना डी फोर यहां डी आ रहा है ना कंडीशनल में, इसको डी से मैच करा देना कंडीशनल और डीसीटी, ठीक है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो इसको सिंपली ऐसे याद रखना है, देखो पीसीटी डीसीटी सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, कहां पे किसका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है।
हरीश कुमार अमोनिया, और डीसीटी में भी क्या है, हरीश कुमार अमोनिया। अब देखो यहां पे तीन लेटर थे, इसमें भी तीन थे, तो यहां भी तीन है, यहां भी तीन है। अब सी डी में सिर्फ दो लेटर है, तो अमोनिया कट जाएगा, सिर्फ हरीश कुमार आ जाएगा, एक दो है ना, तीन से तीन, दो से दो, क्लियर है। अब एक बहुत फेमस सिस्टम होता है रास सिस्टम। रास सिस्टम एक्टिवेट कब होता है, जब जीएफआर लो हो जाता है, तो जीएफआर को बढ़ाने के लिए ये एक्टिवेट होता है। इसमें होता क्या, आप देखो पूरा फ्लो में चलेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करती हैं रेनिन को। अब रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन वन में कन्वर्ट करेगा, और एंजियोटेंसिनोजन वन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन टू में। अब एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है कि एंजियोटेंसिनोजन कौन रिलीज करता है, तो लीवर, लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, है ना। अब एंजियोटेंसिनोजन टू जो है वो क्या है, एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें जीएफआर बढ़ाना था। अब देखो यूरिन एक एडल्ट ह्यूमन में कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे। अब एक और ऐसा ही डाटा का क्वेश्चन है कि एवरेज यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे कितना, 25 से 30 ग्राम। अब एक और डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है कि लंग्स रिमूव सीओ टू, कितनी सीओ टू, 200 ml पर मिनट, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यूरिमिया क्या होता है, यूरिमिया होता है यूरिया इन ब्लड, यूरिया इन ब्लड को बोलते हैं यूरिमिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मसल तीन टाइप की कौन सी, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। अब देखो अगर स्ट्राइशंस की बात करें तो स्केलेटल मसल में स्ट्राइशंस प्रेजेंट, विसरल में अब्सेंट और कार्डियक में प्रेजेंट। और ये बात करें देखो, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है, विसरल मसल इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री मसल होती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, ये है मसल, देखो ये पूरी है एक मसल। अब मसल के अंदर ये रेड कलर में क्या है, मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल फाइबर, क्लियर है। देखो एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल, और एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दो क्वेश्चन लगातार दे रहा हूं मैं, मसल बंडल वर्सेस फेसिकल, इसमें डिफरेंस बताओ, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही बात है। और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, देखो मसल फाइबर, ये था मसल फाइबर, मसल फाइबर वर्सेस मसल सेल में डिफरेंस बताओ, तो इनमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। अब देखो ये एक सेल है, मसल फाइबर क्या है, मसल सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, हम जब नॉर्मली सेल पढ़ते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, पर मसल के साइटोप्लाज्म को, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम बोल देंगे सार्कोप्लाज्म। देखो मसल में हम पढ़ते हैं क्या, सार्कोमियर, तो हर चीज के आगे सार्को लगा देना, हर चीज के आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल देंगे सार्कोलेमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। अब देखो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रखनी है, देखो लाइट बैंड को हम बोलते हैं आई बैंड, और आई क्या है, आई क्या है इसमें, आइसोट्रोपिक, आई फॉर आइसोट्रोपिक, और डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड, और ए फॉर एनआइसोट्रोपिक, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये देखते हैं एक्टिन कैसे बनता है, एक्टिन देखो ये मोती है, ये मोती जमीन पे बिखरे पड़े हुए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोबुलर एक्टिन। अब हमने क्या किया, इन मोतियों को एक धागे में डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर एक्टिन से क्या बन जाएगा, फिलामेंटस एक्टिन। अब ऐसे ऐसे दो फिलामेंटस एक्टिन को, दो फिलामेंटस एक्टिन को आपस में लपेट दें, कोयल कर ले, तो क्या बन जाएगा, एक्टिन। अब इस एक्टिन के ऊपर दो प्रोटीन और होते हैं, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन, ठीक है। अब एक्टिन के बाद बात करते हैं मायोसिन की, देखो मायोसिन किससे मिलकर बनता है, पॉलीमर है ये, किसका पॉलीमर है, मीरोमायोसिन का। अब मीरोमायोसिन में क्या होता है, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। मीरोमायोसिन में क्या क्या, दो पार्ट होते हैं इसके, एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में दो चीजें होती हैं क्या, एक तो होता है हेड और दूसरा होता है शॉर्ट आर्म। अब हेड पे दो साइट होती है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, और लाइट मीरोमायोसिन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ होगी टेल, क्लियर है। देखो सार्कोमियर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सिर्फ एक्टिन ड्रॉ करते हैं, एक्टिन 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 एक्टिन, ठीक है। अब इन एक्टिन को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं, अब इन एक्टिन को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो सेम इधर भी, तो ये लाइन के उधर भी तो सेम होंगे, एक्टिन 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 एक्टिन, और सेम एक्टिन को ऐसे एक लाइन जोड़ेगी, और इधर भी सेम होगा एक्टिन एक्टिन एक्टिन, है ना, और एक्टिन एक्टिन एक्टिन, और ये लाइन जोड़ेगी इन एक्टिन को।
क्लियर है। अब ये हमारे पास सिर्फ क्या है, एक्टिन तैयार है और एक्टिन को हमने जोड़ा है एक लाइन के थ्रू, ठीक है। अब जो ये लाइन है जिससे हमने एक्टिन को जोड़ा है, इसको हम बोल रहे हैं जेड लाइन, इसको हम बोल रहे हैं जेड लाइन और ये भी जेड लाइन, क्लियर है। अब क्या है, एक्टिन के बीच में हम बनाएंगे मायोसिन, एक्टिन के बीच में मायोसिन, क्लियर है। अब देखो यहां हमारे पास क्या क्या बन गया है, सबसे पहली बात कि दो जेड लाइन के बीच में जो भी बना उसको हम बोल रहे हैं एक सार्कोमियर। पहली बात क्लियर है, सार्कोमियर क्लियर है, क्या है, दो जेड लाइन के बीच, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या बना, देखो सबसे पहले ये जो जोन बना, ये जोन बना इसको हमने बोला एच जोन, और ये पूरे मायोसिन को अगर ले लेते हैं, पूरे मायोसिन को ले लेते हैं, ये जो बना ये बनेगा ए बैंड, इधर भी सेम बनेगा, है ना। पूरे मायोसिन को अगर ले लें तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए बैंड, और ये ए बैंड के बीच में जो बना, ए बैंड के बीच में ये बन गया क्या, आई बैंड, है ना। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा आई बैंड, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन है, ये है मायोसिन, देखो ये ब्लू है हमारे पास मायोसिन, तो मायोसिन को बीच में से जो इंटरसेक्ट पूरा डाइसेक्ट करती है वो लाइन है M4 मायोसिन M4 M लाइन, ठीक है, M4 मायोसिन M4 M लाइन, क्लियर है। अब देखो अगर बात करें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या शॉर्ट हो जाएगा, क्या बिल्कुल सेम रहेगा। देखो मां जो होती है, मां की फीलिंग हमेशा सेम रहती है, आप कुछ करो, आप फेल हो जाओ, पास हो जाओ, मां की फीलिंग हमेशा सेम रहती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो मां है, मां मतलब मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड, वो बिल्कुल सेम रहेंगे और सार्कोमियर और आई बैंड की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो आपसे पूछ लिया जाए ऑस्टियोपोरोसिस वर्सेस टिटैनी, अब आपको दो ऑप्शन दिए गए कि बताओ ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम कम हो रहा था या एस्ट्रोजन कम हो रहा था, सेम क्वेश्चन टिटैनी का है कि बताओ इनमें से क्या होगा, किसमें क्या जाएगा। अब देखो टिटैनी में हम पढ़ते हैं ना मसल की रैपिड स्पाज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन याद रखना टिटैनी के रिलेटेड, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत रोल होता है, तो टिटैनी किस वजह से होती है, कैल्शियम के कम होने की वजह से, और ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से, एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से, ठीक है। अब एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मायस्थीनिया ग्रेविस वर्सेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन दोनों में से जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है और ऑटो इम्यून कौन सा है, ये कंफ्यूज हो जाता है। देखो इसमें क्या याद रखना है, इसमें माई वर्ड को पकड़ना है, माई मतलब मेरा, जो मेरी वजह से हुई है ना, जो खुद मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से मतलब ऑटो, खुद मैंने किया है, ऑटो इम्यून डिसीज ये हो जाएगी, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये कोई इंसान है और इसके मैंने ये ब्लैक कलर के जॉइंट्स बनाए हैं, ये शोल्डर जॉइंट्स हैं, ये एल्बो जॉइंट्स हैं, और ये हिप जॉइंट है, और ये नी जॉइंट है। तो यहां एक कॉमन सेंस की बात चलती है कि जो जॉइंट, जिस टाइप का जॉइंट शोल्डर में होगा उसी टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होगा हिप में, और जिस टाइप का जॉइंट एल्बो में होगा उसी टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होगा कहां, नीज में, है ना, क्लियर है। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपने जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखा होगा, आपने बॉल से याद आएगा बॉलिंग, तो जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करता है तो आपने देखा होगा उसका हाथ कहां से मूव करता है, उसका हाथ यहां से मूव करता है, शोल्डर जॉइंट से, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर याद आ गया, तो जो शोल्डर में होगा वही होगा कहां, हिप में, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट, देखो हिंज में हमें कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ हिंज का मतलब देखते हैं क्या होता है। देखो ये होता है हिंज, आपने दरवाजों में भी लगा हुआ देखा होगा कैसे मुड़ता है, ये कैसे सीधा होता है, तो इसको देखते ही समझ आ जाएगा कि हिंज टाइप का जॉइंट कहां होना चाहिए, एल्बो और नी में, एल्बो और नी बिल्कुल हिंज के जैसे मुड़ते हैं, सीधे होते हैं, तो एल्बो और नी में हो गया हिंज जॉइंट, कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी, ए से एटलस, ए से एक्सिस, पी से पाइवेट जॉइंट कहां होगा, एटलस और एक्सिस के बीच में, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो दो कार या रोड पे चल रही हैं या पार्किंग में खड़ी है, उन दोनों के बीच में गैप होना जरूरी है, नहीं तो आपस में टच होगी, मान लो रोड पे चल रही है एक्सीडेंट हो जाएगा, पार्किंग में है स्क्रैच हो जाएंगे, तो दो कार के बीच में गैप होना जरूरी है, तो दो कार का मतलब है दो कार्पल्स के बीच में होगा, G4 गैप, G4 ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स के बीच में होगा ग्लाइडिंग जॉइंट।
अब लास्ट है सैडल जॉइंट। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, सैड सीएम, सैड मतलब उदास, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है उदास है, सैड सीएम। तो सीएम अगर सैड है तो वो अपनी फीलिंग्स कैसे बताएगा, ऐसे थम्स डाउन करके, ऐसे थम्स डाउन करके। तो सैडल जॉइंट कहां होगा, सी फोर कार्पल, एम फोर मेटा कार्पल के बीच में। और कहां पे होता है ये थम्स डाउन से याद आएगा, थंब के कार्पल मेटा कार्पल के बीच में होगा सैडल जॉइंट। ठीक है, देखो इसमें दो क्वेश्चन है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। देखो पहला क्वेश्चन, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं या नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है हॉर्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं या इंट्रासेलुलर, तो ये भी एनसीईआरटी में एक ही लाइन में है दोनों की हॉर्मोन्स इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये डायन्सीफेलोन की कंफ्यूजन से कैसे बचना है, देखो ये पूरा है डायन्सीफेलोन। ठीक है, अब डायन्सीफेलोन के मिडल में क्या है, डायन्सीफेलोन के मिडल में है थैलेमस, थैलेमस से ऊपर का पार्ट, देखो एपी को बोलते हैं हम ऊपर और हाइपो को बोलते हैं नीचे, तो थैलेमस से ऊपर होगा एपी थैलेमस और थैलेमस के नीचे होगा हाइपो, मतलब नीचे हाइपोथैलेमस, और ये पूरा है डायन्सीफेलोन। इस कंफ्यूजन से ऐसे बिल्कुल क्लियर रहना है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है पूरा वैसे वैसे चार्ट है। देखो हाइपोथैलेमस के अंदर होती हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, यहां पे वाई गलती से भूल गया, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अब न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को बोलते हैं न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई क्या रिलीज करती हैं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन से, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन, ये बात हो रही है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स की। अब हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग। रिलीजिंग क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को, और इनहिबिट क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, देखो हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन के साथ कनेक्शन में होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ डायरेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ पोर्टल सर्कुलेशन और उधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट। अब देखो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक तो एडीनो हाइपोफिसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफिसिस। अब एडीनो हाइपोफिसिस में भी दो पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स डिस्टेलिस को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरो हाइपोफिसिस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, पार्स नर्वोसा। देखो नर्व वर्ड आ रहा है ना, नर्वोसा तो न्यूरो, ये कनेक्ट हो जाएगा, और न्यूरो हाइपोफिसिस को ही क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्लियर है। और एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ह्यूमंस में क्या है, ये दोनों लगभग आपस में मिल चुके हैं, ये दोनों लगभग आपस में मिल ही चुके हैं ह्यूमंस में। ठीक है, नेक्स्ट है देखो एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। अब पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये कौन से हार्मोन रिलीज करती है, देखो यहां पे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। देखो ये जो हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये हाइपोथैलेमस बनाता है, हाइपोथैलेमस इनको सिक्रीट करता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो सिर्फ इनको स्टोर करती है, स्टोर करती है और रिलीज करती है, बनाता कौन है, सिक्रीट कौन करता है, हाइपोथैलेमस, क्लियर बात है, ये याद रखनी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड का इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, देख लो, देखो पीनियल ग्लैंड के साथ दिक्कत क्या होती है, हमें सिर्फ इसका एक ही फंक्शन याद रहता है, स्लीप वेक साइकिल, बाकी एनसीईआरटी में हम ध्यान ही नहीं देते कौन से लिखे हुए कौन से नहीं लिखे हुए, तो ये सारे फंक्शन पीनियल ग्लैंड के एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस मैकेनिज्म, क्लियर है। अब बात करते हैं थायरॉइड ग्लैंड की, देखो थायरॉइड ग्लैंड का ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि थायरॉइड ग्लैंड में क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो स्ट्रोमल टिश्यू और एक फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स में क्या होता है, फॉलिक्यूलर सेल्स। अब फॉलिक्यूलर सेल हार्मोन रिलीज करती है कौन से,
T3, T4, ठीक है। हाइपोथायरोडिज्म को कैसे याद रखना है, देखो जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गोइटर, मिक्सेडिमा, क्रिटिनिज्म, है ना, ये हाइपोथायरोडिज्म की बीमारियां हैं। और हाइपर की एक ही लगभग याद रख लेना, ग्रेव और एक्सोथेल्मिक गोइटर, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो थाइमस है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आता है या ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, है ना। कईयों ने बता भी दिया होगा पर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखे हुए ये दोनों इम्यूनिटी में काम आते हैं, थाइमस के जो हॉर्मोन है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो पैंक्रियास को देखते हैं। देखो पैंक्रियास में क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। और एंडोक्राइन पार्ट में क्या होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस में दो टाइप की सेल होती है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती है, ग्लूकागोन, एंड बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन, क्लियर है। अब एक हार्मोन होता है एएनएफ मतलब एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ये बीपी को बढ़ाता है या घटाता है, एनसीईआरटी में लाइन साफ साफ लिखी हुई है, बताओ, है ना। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बीपी को डिक्रीज करता है, बीपी को ये डिक्रीज करता है। अब देखो जीआईटी, जीआईटी यानी समझ गए ना आप, जीआईटी क्या आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हॉर्मोन, जो मेजर हॉर्मोन है एनसीईआरटी में साफ साफ क्लियर चार दिए हुए हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, है ना, ये जीआईपी जिसको बोल सकते हैं। अब इनका एक एक का फंक्शन करेंगे, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। सबसे पहले है गैस्ट्रिन, देखो नाम से ही पता लग रहा है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन से नाम से ही पता लग गया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में स्टमक में क्या होते हैं, पेप्सिनोजन होता है, एचसीएल है, तो इनकी सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा, सिंपल कुछ याद ही नहीं करना है ना, स्टमक याद रखना है गैस्ट्रिक से, ठीक है। अब नेक्स्ट हॉर्मोन है कौन सा, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है, पैंक्रियाज एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, सिक्रेटिन पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करेगा और पैंक्रियास से क्या रिलीज करवाएगा, वाटर एंड बायकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अब एक हॉर्मोन है सीसीके मतलब कोलीसिस्टोकाइनिन, ये क्या करेगा, ये पैंक्रियास पे भी एक्ट करेगा और गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करेगा। अब ये पैंक्रियास से क्या रिलीज करवाएगा, पैंक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज करवाएगा, बाइल जूस, ठीक है। अब लास्ट है ये जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब इसके नाम में ही लिखा हुआ है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, मतलब ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, कुछ याद ही नहीं किया, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कोर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। अब ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, इनको सिंपल सी ट्रिक्स की हेल्प से कैसे याद करें। सबसे पहले बात करेंगे एड्रीनल कोर्टेक्स की। देखो एड्रीनल कोर्टेक्स में अपने को ये याद रखना है। अब यहां पे देखो जोना 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 तीनों में कॉमन है तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी की चीजों को कैसे याद करें, इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है अपनी, देखो मयंक गांधी MG, मयंक गांधी की GF यानी गर्लफ्रेंड, MG मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी है, GORE, ठीक है। MG मयंक गांधी, GF गर्लफ्रेंड गोरी, GORE गोरी है, मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी है। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं, देखो MG मयंक गांधी, GF गर्लफ्रेंड गोरी है, मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी है। देखो मिनरेलोकोर्टिकोइड्स कहां से रिलीज होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहां से रिलीज होते हैं, जोना फेसिकुलेटा। गोनेडोकोर्टिकोइड्स कहां से रिलीज होते हैं, जोना रेटिकुलरिस। तो ये तो हो गया अपना एड्रीनल कोर्टेक्स। अब बात करते हैं एड्रीनल मेडुला की। देखो इसको मैं ऐसे याद रखता था, मर्डर, मर्डर याद रखना है, मर्डर। अब मर्डर में देखो आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें दोनों वर्ड छुपे हुए हैं, मर्डर में मेडुला प्लस एड्रीनालिन, मर्डर मेडुला प्लस एड्रीनालिन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ये दोनों वर्ड आपको इसमें छुपे हुए मिलेंगे, मर्डर में मेडुला प्लस एड्रीनालिन। अब एड्रीनालिन यहां पे आ गया तो नॉन एड्रीनालिन तो अपने आप ही याद आ जाएगा, तो मेडुला के कौन से हार्मोन हो गए, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। कौन से हार्मोन का कैसा नेचर है, देखो जो एनसीईआरटी में कॉपी पेस्ट उसी को याद कराऊंगा, साथ में ये वाला पेज एनसीईआरटी का खोल के बैठ जाओ चाहे, ठीक है। देखो सबसे पहली ट्रिक, पीएच को इक्वल रखना है, पीएच को इक्वल करना है
पीएच के। यहां पे देखो पीएच से क्या है, पी पेप्टाइड, पी पॉलीपेप्टाइड, पी प्रोटीन, एच से हार्मोन, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, और इधर इक्वल है पीएच के। इधर पी से क्या है, पैंक्रियाटिक एंड पिट्यूटरी। पैंक्रियाटिक में कौन से आ जाएंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, है ना, पैंक्रियाटिक हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, एंड इधर कौन से आ जाएंगे, एच से हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन कौन से हो गए, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन। पहली ट्रिक कवर। सेकेंड देखो स्टीरॉइड्स कौन से हैं। देखो स्टीरॉइड्स जब हमें वर्ड सुनने को मिलता है तो ऐसा नहीं लगता कि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। स्टीरॉइड जब हम सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि ओल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ओल, ओन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ओल। तो स्टीरॉइड वर्ड सुनते ही याद आएगा कि जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जिस भी हॉर्मोन के नाम के पीछे फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट हो जाए तो वो डाल दो स्टीरॉइड में, जैसे ये कोर्टिजोल, एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है। नेक्स्ट आयोडोथायरोनिन। देखो आयोडो आयोडीन आ गया, थायरो आ गया, तो ये थायरॉइड हार्मोन ऑटोमेटिकली हो गया। लास्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इसमें देखो ए की प्रधानता है, ए ए ए, है ना, ए से ए मैच कराना है, ए ए ए, अमीनो एसिड हो गया एड्रीनालिन। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो टाइप का होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फर्दर दो टाइप का होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, सेरिब्रम, डाइंसिफेलोन एंड ओल्फैक्टरी लोब्स। अब डाइंसिफेलोन के अंदर होते हैं क्या, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन की बात करें तो उसमें क्या होगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, पीसीएम, पीसीएम मतलब पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा। देखो न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पे प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और बायपोलर कहां पे प्रेजेंट होंगे, रेटिना ऑफ आई में, और मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो निजल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं, डेंड्राइट में होते हैं, एक्सोन में होते हैं। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है निजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे कहां पे, सेल बॉडी में, ठीक है। देखो एक ये नेक्स्ट, ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है अपने को कि माइलिनेटेड एक्सोन और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, किसमें श्वान सेल होती है किसमें नहीं होती, माइलिन शीथ किसमें होती है किसमें नहीं होती। तो इनका सिंपली नाम देखो, देखो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, इसमें सीधा सीधा वर्ड आ रहा है माइलिन शीथ का, ना माइलिन का वर्ड आ रहा है। तो जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो हो जाएगा माइलिनेटेड, जिसमें अब्सेंट है वो हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड। अब जब बात करें श्वान सेल की, तो श्वान सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, हम यहां पे गलती करते हैं, ठीक है, श्वान सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है देखो टेस्ट वर्सेस स्मेल। अब टेस्ट के कौन से रिसेप्टर है, ओल्फैक्टरी है या गस्टेटरी है, और स्मेल के कौन से हैं। देखो सिंपली इसको ऐसे याद रखना, स्मेल, स्मेल का हमेशा ऐसे याद रखो, देखो फैक्ट्री, फैक्ट्रियों से क्या आती है, स्मेल आती है, बहुत पोल्यूशन होता है ना तो स्मेल आती है। तो ओल्फैक्टरी कौन से होते हैं, स्मेल के। और टेस्ट के देखो इसमें गस्टेटरी वर्ड कहां से आया, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए होता है, स्टमक के लिए। तो गैस्ट्रो स्टमक के लिए, मतलब पेट से रिलेटेड है तो टेस्ट, है ना, खाने से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो अगर बात करें हम नर्व इंपल्स के कंडक्शन की, तो इसकी एक इजी एक्सप्लेनेशन की 4-5 मिनट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप देख लेना, और जिसको यहां पे शॉर्ट में मैं बता दूंगा कैसे होता है। देखो ये एक एक्सोन है, ये एक एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन के अंदर का पार्ट, ये एक्सोन के बाहर का पार्ट। अब ये है एक्सोन की मेम्ब्रेन, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, देखो एक्सोन के बाहर होते हैं 3 सोडियम और एक्सोन के अंदर है 2 पोटेशियम। अब इससे क्या हुआ, देखो बाहर नेट कितना हो गया, 3 पॉजिटिव, और अंदर कितना है, 2 पॉजिटिव। नेट क्या हुआ, इससे बाहर नेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अंदर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गई, एक तरीके की पोलैरिटी बन गई, पोलैरिटी
एक्टिव बन गई है ना। और ये जब की बात हो रही है जब कुछ भी नहीं हो रहा, कोई स्टिमुलस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हम बेड पे बिल्कुल आराम से पड़े हैं, है ना, तो इस स्टेज को बोल देंगे हम पोलराइज स्टेट, है ना। ये पोलैरिटी बन गई, पोलराइज स्टेट। और पोटेंशियल को अगर हम मेजर करेंगे तो क्या आएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे उसको, कि हम रेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब क्या हुआ, मान लो यहां से स्टिमुलस आया, मान लो यहां से स्टिमुलस आया, अब क्या होगा, इंपल्स का कंडक्शन होगा। तो उससे सिंपली होता क्या है, ये जो सोडियम है ना, सोडियम क्या होता है, अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब सोडियम अंदर आएंगे तो क्या होगा, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उस स्टेज को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रेस्टिंग पोटेंशियल, और यहां पे क्या है, एक्शन पोटेंशियल, क्लियर है। अब देखो आई की अगर लेयर्स की बात करें तो कौन सी होती है, स्क्लेरा सबसे आउटर, मिडल कोरोइड, और सबसे इनर कौन सी, रेटिना, ठीक है। अब स्क्लेरा के बारे में एनसीईआरटी में क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें, और कोरोइड में क्या होते हैं, ब्लड वेसल होती है, यहां पे सेल्स नहीं वेसल आना था, ब्लड वेसल्स होती है। और रेटिना में क्या होता है, तीन टाइप की सेल होती है, ठीक है। अब रेटिना में तीन टाइप की सेल होती है, अब रेटिना को देखते हैं, रेटिना में हमने देखा तीन टाइप की सेल है, कौन सी, फोटो रिसेप्टर सेल्स, बायपोलर सेल्स, और गैंग्लियोन सेल। अब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं, ये अपने बहुत काम की है, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये है फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक रोड्स, एक कोन्स। अब जो रोड्स है, देखो रोडोप्सिन रोडोप्सिन रोड्स, ये नाम से ही क्लियर हो गया, जो रोड्स हैं वो किससे मिलके बनी है, रोडोप्सिन एक प्रोटीन है उससे बनी है ना, रोडोप्सिन रोड्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रोड्स में होता है रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन के अंदर क्या होता है, देखो आर से पकड़ना है रेटिनोल, और ये लास्ट में इसके ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है, आर से रेटिनल, और ये लास्ट में आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। और रेटिनल क्या होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, क्लियर है ना, ये पूरा क्लियर कट है ना। फोटो रिसेप्टर सेल में क्या है, रोड्स एंड कोन्स, रोड्स किससे मिलके बना है, रोडोप्सिन से, और रोडोप्सिन किससे मिलके बना है, रेटिनल एंड ऑप्सिन से, और रेटिनल जो है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, दो चीजें होती है ये हमें कंफ्यूज करती है, ब्लाइंड स्पॉट वर्सेस फोबिया। देखो ब्लाइंड मतलब बिल्कुल अंधा, ब्लाइंड मतलब बिल्कुल अंधा, मतलब इसमें रोड्स भी नहीं होंगे, इसमें कोन्स भी नहीं होंगे, और फोबिया में सिर्फ रोड्स नहीं होते पर कोन्स इसमें फोविया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अगर एक लाइन बोलूं कि ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर सेल्स अब्सेंट है, फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन सी होती है, रोड्स या कोन्स, रोड्स एंड कोन्स, तो इसमें दोनों अब्सेंट है, तो बोल सकते हैं ना फोटो रिसेप्टर सेल इसमें अब्सेंट है, क्लियर है ना ये बात। और अब देखो नेक्स्ट, एक्वियस चैम्बर क्या होता है, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, और दूसरी तरफ विट्रियस चैम्बर क्या होता है, स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ह्यूमन ईयर के तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास होता है ईयर पिन्ना एंड ईयर कैनाल, एंड मिडल ईयर में हमारे पास है ईयर ऑसिकल्स, जो कि कौन सी है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। और क्या क्या होता है, राउंड विंडो, ओवल विंडो एंड यूस्टेकियन ट्यूब। और इनर ईयर को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि ईयर की पूरी कंफ्यूजन, पूरी कहानी इसी पे टिकी हुई है। अब बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। देखो एनसीईआरटी में इनर ईयर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है मैंने पूरा का पूरा इस चार्ट में चिपका दिया, पूरा का पूरा एक एक लाइन आप पढ़ के देख लेना, मैच हो जाएगी, ठीक है। देखो इनर ईयर के दो फंक्शन होते हैं, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। जो हियरिंग है वो कौन परफॉर्म करता है, कोक्लिया, और जो बैलेंसिंग है वो कौन परफॉर्म करता है, वेस्टिबुलर अपरेटस। अब वेस्टिबुलर अपरेटस में दो चीजें होती हैं, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिबुलर अपरेटस में दो चीजें होती है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑटोलिथ ऑर्गन। अब देखो जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं डायनामिक बैलेंस, डायनामिक मतलब मूवमेंट वाला बैलेंस, ठीक है। और ऑटोलिथ ऑर्गन परफॉर्म करता है स्टेटिक बैलेंस, मतलब बिल्कुल स्टेटिक, कोई मूवमेंट नहीं हो रही वो वाला बैलेंस, क्लियर है। अब देखो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स का स्वोलन बेस होता है, वो क्या होता है, एम्पुला, और एम्पुला कंटेन्स, एम्पुला में क्या होता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस, और क्रिस्टा एम्पुलरिस में क्या होता है, हेयर सेल्स, और हेयर सेल्स में होते हैं रिसेप्टर। इतना ये क्लियर है। अब इस पे आ जाते हैं, देखो ऑटोलिथ ऑर्गन में क्या होता है, ऑटोलिथ ऑर्गन कंजिस्ट ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल, एंड सेक्यूल एंड यूट्रिकल में क्या होता है, ये कंटेन्स रिजिस, और रिजिस को हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला, और मैक्यूला में होता है हेयर सेल्स, हेयर सेल में है रिसेप्टर। तो इतनी ये क्लियर है। और इधर अगर कोक्लिया की बात करें, तो अगर आप ये वाला एनसीईआरटी का डायग्राम ढंग से कर लेते हो
तो आपका कोक्लिया क्लियर है। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखना, एक एक लाइन आपकी इस चार्ट से पूरी मैच हो जाएगी। फुल फॉर्म ऑफ GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, रिक्वायर्ड पीएच फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन इंटू एक्टिव बीटी टॉक्सिन, एल्कलाइन पीएच, ठीक है, बेसिक पीएच चाहिए। जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ बीटी टॉक्सिन, कौन सा, क्राई जीन, क्राई 1AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर एंड क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल्स कॉटन बॉलवर्म, इनको याद करने की ट्रिक बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। विच निमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, मिलर्डिगिनी इनकोग्निशिया, विच टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, जहां पे बायोटेक्नोलॉजी में भी जहां पे सेलुलर डिफेंस का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर जाएगा RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। इंसेक्ट्स विच किल्ड बाई प्रोटीन्स दैट प्रोड्यूस्ड बाई सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेपिडोटेरेंस, कोलियोटेरेंस, डायप्टेरेंस। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांसपोसोन्स, ये पहले पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में, ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं, मोबाइल मतलब मूवमेंट करने वाले जेनेटिक एलिमेंट। अर्लियर इंसुलिन यूज फॉर द डायबिटीज वॉज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ विच एनिमल, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स, इंसुलिन कहां से निकाला जाता था, स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स के पैंक्रियास से। विच पेप्टाइड चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्यूरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन, जो प्रो इंसुलिन मतलब इमैच्योर इंसुलिन होता है उसमें तीन चेन होती है AB और C, और उसकी मैच्यूरेशन होती है मतलब जब मैच्योर इंसुलिन बनता है तो वहां पे सी चेन रिमूव हो जाती है तो ए और बी बचाती है, तो सी पेप्टाइड जो है वो रिमूव हो जाती है। Which company formed insulin? Eli Lilly company है 1983 में, American company थी, ठीक है। First clinical gene therapy was given by NCERT में लिखा हुआ है 1990। ADA enzyme is crucial for ADA, ठीक है, enzyme किसके लिए crucial होता है, immune system के लिए। ELISA, which is a molecular diagnosis technique, is based on which principle? Direct NCERT की line बता रहा हूँ, ये antigen antibody interaction ELISA में, ये लिखा हुआ है NCERT में। एनिमल विद मैनिपुलेटेड डीएनए, जहां पे भी ये वर्ड आ जाए, एनिमल विद मैनिपुलेटेड डीएनए टू पजेस एंड एक्सप्रेस एंड फॉरेन जीन, मैनिपुलेटेड डीएनए का मतलब सीधा सीधा ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, मतलब उनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की है। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट इम्फाइसीमा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ नाम क्या था, रोजी, डायरेक्ट एनसीईआरटी। द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ यानी रोजी के मिल्क में कौन सा ह्यूमन प्रोटीन था, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। फुल फॉर्म ऑफ GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, डायरेक्ट है पूरा। अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन मिल्क ऑफ रोजी, रोजी क्या थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, उसके मिल्क में प्रोटीन की अमाउंट दी हुई है एनसीईआरटी में कितनी, 2.4 ग्राम पर लीटर। नेम द टेक्निक दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, ये भी ये आपको लगेगा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ELISA PCR, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ELISA एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, ऑटो रेडियोग्राफी यूज इन मोलिकुलर डायग्नोसिस, ये सब मोलिकुलर डायग्नोसिस वाले टॉपिक में जाओगे ये सारे दिए हुए एनसीईआरटी में, ऑटो रेडियोग्राफी और ये सारी टेक्निक्स, ये ELISA PCR, ठीक है, ध्यान से देखना एनसीईआरटी को।